अस्सलाम वालेकुम वेलकम ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल ऑन द फर्स्ट क्लास ऑफ टीएक्स फॉर दिसंबर 23 सेशन। माय नेम इज कंबर राजा। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन में और दूंगा आप लोगों को, बट बिफोर माय फर्दर इंट्रोडक्शन आई लाइक टू हेयर फ्रॉम यू गाइस। आप लोगों ने अभी व्हाट्स योर नेम फर्स्ट सेकेंड लास्ट अभी जो सितंबर सेशन था उसमें कौन सा पेपर दिया? अब दिसंबर में कौन कौन सा पेपर देने का प्लान है एंड ओवरऑल योर स्टेटस ऑफ एसीसीए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। योर नेम, जून सितंबर में कौन सा पेपर दिया, ओवरऑल एसीसीए में कितने पेपर्स हो चुके हैं, दो तीन चीजें। जी जी चलिए नाइस। जी गुड। तो रेस्ट ऑल फंडामेंटल्स डन। गुड। F7F5 हो गए, ये भी सितंबर में भी है। चलो नाइस। दिसंबर दिसंबर में 6 है और सितंबर में 7 और 5 भी, 5 भी है, 7 हो चुका है। चले नाइस। तो पूरी रो साथ चल रही है, ये वाली भी नहीं, इसमें दो साथ थे। ओके Try to be on time. F6 last है। गुड गुड। F4 दिया है ला। F6 पहला पेपर है। गुड। ओके। रिजल्ट रिजल्ट अवेटेड F7। सेम सेम। सो F6 इज योर लास्ट पेपर। गुड। नाइस। तो ओके। नाइस। गुड। सेट इज स्ट्रेट। यू आर सेटिंग इन द क्लास। सेट इज स्ट्रेट। कंटिन्यू। गुड। लास्ट टाइम इज टू। फाइव मिनट बाद आई विल लॉक द डोर। सॉरी, आपकी आवाज मिस हो गई। यस जी यस यस आपसे आगे। गुड। एक्सक्यूज मी।
सॉरी एक्सेल दिया था। ओके सो फंडम स्किल्स क्लियर फर्स्ट पेपर ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट टाइम गुड। उसको क्यों छोड़ा हुआ है F4 को? एसी से एंड में फंडामेंटल्स के एंड में, फंडामेंटल्स के एंड में दैट्स नाइस। यस सिक्स एंड नाइन। ओके गुड। ओनली वन इंशाल्लाह फोर का भी इरादा। गुड नाइस। सिक्स एंड फोर गुड। अभी भी इरादा है इंशाल्लाह कंफर्म है इरादा। गुड नाइस नाइस गुड। सेवन दे दिया खेलते हैं। F6 इज लास्ट पेपर तो ऑल फंडामेंटल्स डन। गुड सिक्स एंड फोर इन दिसंबर। गुड चलें। गुड टू नो थोड़ा बहुत अबाउट ऑल ऑफ यू। जिन लोगों ने F6 के साथ F4 देना है टू ऑल ऑफ देम अ की मैसेज फ्रॉम माय साइड। F4 जितने लोगों ने देना है प्लीज ट्राई करो बाय एंड ऑफ दिस मंथ विच इज लाइक सितंबर और अर्ली नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में देके फारिग करना। बिकॉज मिड अक्टूबर मतलब मिड में रिजल्ट पीक होता है। रिजल्ट के बाद एक हफ्ता रख लो खुशी गमी, या तो अल्लाह ताला अपनों की खुशियां बरकरार रखे आमीन, दूसरों के दुख बांटने वालों में आप बने रादर देन बुरी बातें बोलनी भी नहीं चाहिए वैसे तो। बट आप खुशियां फैलाने वालों में हो, दूसरों के दुख में उनको सपोर्ट मोटिवेट करने वाले हो। मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। आप नेवरदलेस बट अगेन फर्स्ट वीक कोशिश करो जिन लोगों ने 6 के साथ 4 देना है प्लीज फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 4 दे के फारिग करो। एल्स कीप इट इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और स्टार्ट ऑफ जनवरी। तो प्रेफरेबली अक्टूबर के 3rd वीक 4th वीक या नवंबर में बिल्कुल भी F4 का नहीं सोचना जिन लोगों ने F4 सोचा हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जिन लोगों का नाउ दिस दिस पॉइंट इज बिलोंग्स टू ऑल ऑफ दोज जिन लोगों का दिस वुड बी फर्स्ट पेपर ऑफ फंडामेंटल्स नॉलेज। तो जिन लोगों ने F7 दिया हुआ है मेजोरिटी लोगों ने एटलीस्ट एक पेपर दिया हुआ है और जिन लोगों ने ज्यादा दिए हुए तो दिस स्टेटमेंट इज बिलोंग्स टू जिन लोगों का स्किल्स का ये पहला पेपर है। टू ऑल ऑफ देम एक चीज याद रखना इन दिस पेपर आप लोगों ने F6 भी सीखना है और F6 के साथ साथ एक चीज और सीखनी है विच इज कॉल्ड कंप्यूटर स्किल्स। नॉट इन जनरल कंप्यूटर स्किल्स, मुझे उम्मीद है वो मुझसे ज्यादा आप लोगों को आती होंगी, बट स्प्रेडशीट वर्ड
फॉर्मेटिंग एंड स्पेसिफिकली जो ACCA प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस आने वो प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिस। सो जिन लोगों ने F7 या कोई और पेपर दिए हुए हैं लाइक 5, 8, 9, 8 वगैरह वगैरह, दे हैव द स्किल। सो उन्हें वो उस प्लेटफॉर्म से फेमिलियर हैं, दे नो कि वो प्लेटफॉर्म दिखता कैसा है, मिसबिहेव करता है तो कैसा करता है, अच्छा बिहेव करता है कैसा करता है। बट जिन लोगों का ये फर्स्ट पेपर है उन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता। सो आप लोगों को दो चीज़ें करनी होंगी, एक F6 भी सीखना होगा और साथ साथ वो कंप्यूटर स्किल्स भी डेवलप करनी होगी। सो ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को जरूरत नहीं है, बाकी लोगों को स्प्रेडशीट आती है, उन्हें बस ये देखना होगा कि F6 में ड्राफ्टिंग कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे, उन्हें बस इतनी हद तक सीखना है, उन्हें पर्टिकुलरली स्प्रेडशीट को प्रैक्टिस आउट नहीं करना। बट हाँ, जिन लोगों का ये फर्स्ट पेपर है उन्हें स्प्रेडशीट भी सीखनी होगी। सो प्लीज आप, माय मैसेज इन दिस क्लास टू दोज वुड बी कि अपने आप को थोड़ा इस हिसाब से ज्यादा टाइम वाइज अवेलेबल रखना कि आप लोगों ने स्प्रेडशीट भी सीखनी है और F6 भी सीखना। वन थिंग रिगार्डिंग F6, आई लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू कि F6 का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग और ओवर एग्जेजरेटिंग। F6 का पेपर इन द फंडामेंटल स्किल्स सिलेबस वाइज इज वन ऑफ द लेंदीएस्ट सिलेबस, तो पढ़ने के हिसाब से इसमें बहुत सारी चीजें। बट द ओनली वे, थैंक यू गुल भाई, दरवाजा लॉक करके चले जाइए। नहीं है सीट, नहीं है, इफ नॉट तो इफ गर्ल्स कैन मूव ऑन वन साइड प्लीज, लास्ट लोग। थैंक यू। पूरी पूरी इतनी मुश्किल से स्पीच बैठी थी, भुलवा थी, क्या बात कर रहे थे। हाँ, सो F6 का सिलेबस लेंदी सिलेबस है बट इट्स नॉट वेरी मच टेक्निकल, सो इट्स मोर ऑफ अ रूल बेस्ड पेपर एज कंपेयर टू, जैसे कहते हैं ना, अपनी अकल समझ इस्तेमाल कम करनी है, इट्स मोर ऑफ रूल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। पेपर से रिलेटेड बातें मैं कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा सा, मैं अगर अपना एक और ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ नाम के अलावा। सो आई एम सैयद कंबर रजा, आई हैव बीन टीचिंग F6 फॉर 1.5 डिकेड, तकरीबन 15 साल तो हो गए जब मैंने फर्स्ट F6 पढ़ाया था, एंड मुझे शायद काउंट टू बी एग्जैक्ट याद ना हो बट एटलीस्ट 70-75 बैजेस F6 के तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा चुका हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन स्टैंड चार्टर्ड बैंक एज वेल इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लस पढ़ाने का मुझे शौक है, दैट्स व्हाई आई डू, आई एम स्टिल विद द टीचिंग थिंग, और मेरी सैटरडे संडे को मेरे एक अपने टीचिंग टाइम आवर्स रहते हैं। इन एडिशन टू माय प्रोफेशनल लाइफ, आई हैव डन माय ACCA बैक इन दिसंबर 2009, आई कंप्लीटेड माय दिसंबर 2009, सो इट्स लाइक 14-15 ईयर्स। आई कंप्लीटेड माय ICEW बैक इन 2012, फिर उसके बाद एक आध बैंकिंग से रिलेटेड कोर्स था वो कंप्लीट किया इन 2006, बाय द वे आफ्टर 2012 ICEW, 2014 एक और सर्टिफिकेट मिला विच इज निका मैरिज सर्टिफिकेट, एंड आफ्टर 2014 नाउ आई हैव 3 डॉटर्स, द एल्डेस्ट वन इज लाइक 7 ईयर्स, देन 6 ईयर्स, एंड द यंगेस्ट वन इज लाइक 1.5 ईयर्स। सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ। और कुछ अभी पहले मुझसे रिलेटेड पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई की बातों पे आते हैं। एनीथिंग यू वांट टू आस्क माई सेल्फ एट द मोमेंट रिलेटिंग टू ACCA, बट F6 से रिलेटेड अभी बात नहीं करते, तो F6 से रिलेटेड बाद में बात करेंगे। सो एनीथिंग रिलेटिंग टू माई सेल्फ और ओवरऑल ACCA, सो आई एम हेडिंग अ यूनिट विच इज कॉल्ड बैलेंस शीट मैनेजमेंट यूनिट, तो वहाँ हम बैलेंस शीट बनाते हैं,
एक पूरा यूनिट है जो बैलेंस शीट बना है। सॉरी, क्या क्या आई मिस, अभी भी नहीं आती आखिर में बैलेंस सस्पेंस अकाउंट क्लोज। ICW क्यों क्या? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा मैं इस क्वेश्चन के साथ एक बात और भी कवर करता हूँ। ICW क्यों क्या? सो बिकॉज आई मोर लाइक द रिपोर्टिंग एंड टैक्सेशन एस्पेक्ट रादर देन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्पेक्ट। सो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरी चीज़ है, मैंने बोला मुझे मुझे ज़्यादा रिपोर्टिंग एंड टैक्सेशन वाला एस्पेक्ट पसंद है एज कम्पेयर टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला एस्पेक्ट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद। तो लाइक जैसे आसान लफ्ज़ों में कह लो F2 वाला एरिया मुझे नहीं पसंद। मुश्किल आसान अपनी जगह। तो छोटे लेवल पे मैं बोलूँ इट्स F2, थोड़े से एडवांस लेवल पे बोलूँ इट्स F5 एंड F9। ये वाली चीज़ें मुझे नहीं पसंद। सो दैट्स वाई आई परसू, एंड फॉर मी इट्स लाइक ACCA हो गया, आगे कुछ पढ़ना है लिखना है, तो दैट्स वाई सेलेक्टेड टू कंटिन्यू द ICW। बाय द वे आई एम वन ऑफ दोज प्रोबेबली आई वुड नो नॉट रॉन्ग, तो आई एम वेरी लिटिल ऑफ दोज जिन्होंने ACCA के सारे सारे पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं। एज इन आप लोगों को पता होगा प्रोफेशनल में टोटल 7 पेपर्स हैं, नहीं 6 हैं, और 6 में से 4 करना है, 2 कंपलसरी एंड 4 ऑप्शनल, उन 4 ऑप्शनल में से 2 करना है, राइट। मैं उन खुशनसीब बदनसीब आई डोंट नो आप लोग क्या बोलोगे, मैंने वो चारों ऑप्शनल पेपर दिए हुए। सही है, तो मुझे हर पेपर का आइडिया है, मुझे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एडवांस टैक्स, एडवांस ऑडिट, सारी चीज़ों का आइडिया। उसका रीजन यार एक अजीब सा फेनोमिना ये तो ऑन दैट टाइम। सो व्हाइल आई कंप्लीटेड माय ACCA दिसंबर 2009, तो 2010 वाज लाइक करने को कुछ है नहीं, तो क्या करें, एक काम करते हैं ACCA को और पेपर दे दे, तो इस तरह फिर ऑप्शनल पेपर और दे दिए। नुकसान नहीं करना बस। तो ये वाला एलिमेंट था कि यार अभी करने को कुछ नहीं है तो चलो ACCA को और पेपर दे देते हैं। तो दैट वाज द रीजन। जॉब स्टार्ट नहीं थी आपकी? सो आई वाज वर्किंग एज टीचर असिस्टेंट एंड TS एट दैट टाइम। सो मैं उन चंदे के लोगों में से जिन्होंने खुद TSA में पढ़ा भी, TSA में एज अ टीचर असिस्टेंट इन 2008 स्टार्ट भी किया था पढ़ाना, और जब से लेके पढ़ाना वाला एलिमेंट तो स्टिल चल रहा है। बट सो आई आई वॉज वर्किंग हेयर एज टीचर असिस्टेंट एंड देन आई आफ्टर कंप्लीटिंग माई ACCA, बाय द वे आई हैव बीन इन बैंकिंग एज वेल सिंस लास्ट 10 ईयर्स। सो 15 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, 10 साल मुझे बैंकिंग में। सो आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ कंप्लीट टीचिंग आई ज्वाइन द बैंक। वीडियो वीडियो की क्या शर्त है, मतलब बोलो कहीं भी इंटर्नशिप की थी, वीडियो कहाँ थी? नो, तो इंटर्नशिप इन ऑडिट फॉर्म ACCA के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो इट्स गुड हो जाए, बट ये नहीं है कि यार ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ जिंदगी। आई विल बी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट लाइक। अच्छा क्योंकि ACCA उन संदिग्ध चीजों में से है ना जिसमें फेल हो जाए तो पता नहीं कितनी शर्मिंदगी नहीं होती। ना हो ना हो आई एग्री, बट वो किसी को बताते हुए जो है ना इतनी शर्म नहीं आती। सो मेरा ओवरऑल ACCA में एक पेपर एक दफा फ्लंक हुआ था F6। सो द आंसर इज नो, एक प्रोफेशनल का पेपर मेरा फ्लंक हुआ था एंड दैट वाज ऑप्शनल, एंड इवन दैट वाज आफ्टर क्वालिफ, नहीं बिफोर क्वालिफाइंग। तो वो एक याद है कि एक पेपर ने एक दफा लगा दिया। लेकिन
तो द गुड थिंग इज कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जितनी लर्निंग है फ्रॉम द रिपोर्टिंग एस्पेक्ट, फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट, प्रोबेबली वो वाली चीजें और जगह नहीं, प्रोबेबली आई कुड बी रॉन्ग, बट फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, हर कंट्री में, एंड दैट्स माई व्यू, हर कंट्री में ऑडिट आउटसोर्स हो सकता है. बाहर के लोग बैठ के ऑडिट कर रहे हो, हर चीज आउटसोर्स हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला एलिमेंट हो सकता है, बट इन कंट्री देयर मस्ट बी अ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर. बैंक्स कभी भी आउटसोर्स नहीं हो सकते, मतलब उनका फिजिकल इन कंट्री कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा. तो दैट इज लाइक वन ऑफ द रीजन ऑफ चूजिंग दिस इंडस्ट्री, के यार ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर. सो फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाना लिखाना, उसके लिए शायद कंट्री प्रेजेंस जरूरी नहीं है, बट बैंक कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो कंप्लीटली बाहर हो और यहाँ कुछ भी ना. तो यहाँ उसका एटलीस्ट ब्रांच होगी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होगा, बट यहाँ लोग होंगे. सैटरडे सैटरडे संडे. सो देर इज वेरी गुड थिंग एट टाइम्स. दिस इज द सेम कन्वर्सेशन आई हैड विद माय वाइफ, विद माय मदर. सो इंसान वीकेंड से अपनी हॉबी करता है, राइट? एंड दिस इज वन ऑफ माय हॉबी, तो मुझे कभी भी इसमें कोई मसला नहीं होता. अच्छा, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात भी और बुरी बात भी. व्हेन आई से दिस ना कि दिस इज माय हॉबी, तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है. इसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि सर को पढ़ाने का शौक है, सर इधर ही मिलेंगे. बुरी बात यह है कि शौक है, मतलब फिर छुट्टी मुट्टी भी देर से हो सकती है. सॉरी. क्लासेस का शेड्यूल मैं बता देता हूँ. लेट मी नोट योर फोन. क्लासेस शेड्यूल सैटरडे सैटरडे संडे एंड शाम शाम रात ऑफ वीक डेज. एंड एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? ओके. कुछ चीजें मैं आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड जरा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं, फिर उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस को आई विल वेलकम. क्लासेस का शेड्यूल किसी ने पूछा, सो लेट मी फर्स्ट शेयर द अरीबा, लेट मी रिस्पॉन्ड ऑन दिस. सो क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा? द क्लासेस का शेड्यूल वुड बी, यू वुड बी हैविंग 4 डे, ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे. ट्यूजडे द क्लास टाइम वुड बी 6:30 to 6:30. थर्सडे, सैटरडे एंड संडे 10 to 1:30. तो दिस इज लाइक 4 डेज अ वीक की क्लास. बी ऑन टाइम. अच्छा, द टीएक्स टीएक्स कोर्स सिलेबस इज शेयर्ड विद मी बाय अनदर ट्यूटर विच इज सर जिया राना. सो ट्यूजडे थर्सडे सर जिया राना की क्लास होगी, सैटरडे संडे वुड बी मेरी क्लास होगी. सो दिस इज द क्लास शेड्यूल. सेकेंडली, अक्सर लोगों को फिक्र होती है कि हमारा कोर्स कब कंप्लीट होगा. सो मार्क दिस डेट टुडे, द 16 सेप्टेम्बर इज योर फर्स्ट क्लास, एंड 16 सेप्टेम्बर इज योर फर्स्ट क्लास. सो समवॉट आई एम नॉट कंफर्मिंग, अप्रॉक्सीमेटली 15 नवंबर 2023 वुड बी योर लास्ट क्लास. सो आपका सिलेबस कंप्लीट जो हो रहा होगा, आपका सिलेबस इस डेट को कंप्लीट हो रहा होगा, एंड योर एग्जाम वुड बी ऑन
Exam would be on so in the form of booklet और जो भी ये सॉफ्ट कॉपीज होंगी आप वी विल बी शेयरिंग आवर गूगल ड्राइव विद यू गाइस और वो सारी के सारी फाइल्स गूगल ड्राइव में हमेशा अपडेट हो जाया करेंगी आफ्टर द क्लास। गूगल ड्राइव का लिंक शेयर हो जाएगा वंस सर फहीम आप लोगों का ग्रुप क्रिएट कर देंगे ऑफ दिस क्लास, तो फिर उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में वी विल शेयर द गूगल ड्राइव लिंक और ड्राइव में ये सारी की सारी फाइल्स एनोटेटेड रिटन फाइल्स वहां पे सारी सेव होती रहेंगी। दिस इज अबाउट योर क्लासेस एक्सेट्रा, एनीथिंग टू आस्क फ्रॉम द क्लासेस साइड? यस नो? बिफोर आई स्टार्ट माई मेन पढ़ाई लिखाई एस्पेक्ट, मुझे कुछ जरा आप लोगों से फीडबैक चाहिए, स्पेशली उन लोगों से जिन्होंने फंडामेंटल्स के पेपर्स प्रीवियसली अटेम्प्ट किए हुए, लाइक कोई भी पेपर F7 से F7 F8 F9 F5, जो भी कोई फीडबैक देना चाहे। पेपर अच्छा होने के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, लाइक क्या क्या चीज़ें हो तो आई कैन से हाँ पेपर अच्छा हुआ था। टाइम, एक मिनट, लेट मी नोट डाउन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो ये क्योंकि कोई पढ़ाई का वैसे एजेंडा नहीं था, बट ये डिस्कशन एक इम्पॉर्टेंट है डे वन पे होना। सो सबसे पहला, एक मुझे किसी ने फीडबैक दिया टाइम मैनेजमेंट, औरों को भी तो बोलने दो ना यार। एंड प्रैक्टिस, इन डेप्थ नॉलेज, थोड़ा डिफाइन करो कि कितनी गहराई तक जाना है इस नॉलेज की। हाँ, कितनी गहराई, 1 फिट 2 फिट, जितनी स्काई इज द लिमिट वाला एलिमेंट, जमीन की तरफ। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये आप लोग अपने तजुर्बे से बता रहे हो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। तीन घंटे आराम से रिलैक्स होके बैठने का और 15 मिनट जो बचे उसमें क्या करना है? 15 मिनट में अनकॉन्शियस हो जाए, बिकॉज पेपर टाइम इज 3 hours and 15 minutes, राइट? 10। अच्छा, ओके। नहीं तो रिलैक्स होके बैठने का, चलो 3 hours का टाइम। अच्छा, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मैं थोड़ा सा जरा इस पॉइंट पे अपनी एक आप भी सी स्टोरी सुनाता हूँ। सो पेपर से लाइक 15-20 दिन पहले क्लासेस वगैरह हमेशा ख़त्म हो जाती हैं, फुल घर में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, खुलिए का कोई होश नहीं है, लाइक बाल बड़े हो रहे हैं, शेव, सब सब चीज़ है ना। बट मैं पता नहीं क्यों हमेशा एक चीज़ फॉलो करता था, बिलखसूस ACCA में, प्रोबेबली नॉट एन इंटर मेट्रिक टाइप थिंग, पेपर से 2 दिन 3 दिन पहले जाता था हेड ड्रेसर के पास, पे, पे, पेपर में अच्छा लगने का, पेपर जैसा भी है, अल्लाह का शुक्र है पेपर पास हुए, मतलब पेपर ही कर रहे होते थे, इसका कहीं कुछ और मतलब नहीं है। वरना अक्सर लोग बाहर निकल के इन्विजिलेटर की भी बातें कर रहे होते थे वहां पे, तो मतलब कुछ लोगों का फोकस ही कुछ अलग होता था। खैर, यस एंड डोंट लूज कॉन्फिडेंस, और आई वुड रीफ्रेज इट एज कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट। वी नीड that is speed to perform question, practice and clear concepts, extra practice.
एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, मैं तो कह रहा हूँ नॉर्मल वाली कर लो, वही बहुत है, एक्स्ट्रा पे क्या बात करें इंसान। ओके, जिन लोगों के पेपर्स हिस्टोरिकली बुरे हुए, हिस्टोरिकली बुरे, मैं ये नहीं कह रहा अगर कोई खुदा ना खासा फेल हुआ है तो वो भी अपना रीजन बता सकता है, बट जिसमें किसी के बॉर्डर लाइन नंबर आए हो या इस दफा इज्जत रह गई, सो आई विल शेयर माई स्टोरी ऑन दिस लाइन एज वेल। बट अगर यार इस पेपर में इज्जत रह गई, बस आइंदा ये काम नहीं करना, सो लेट मी टेल यू माई स्टोरी। मुझे आज भी याद है, दिस इज अबाउट जून 2006 का महीना। आप लोगों का जैसे MA 1 का पेपर होता है, तो हमारे वक्त में जो MA 1 का पेपर था, आप में से कितने लोग FIA स्ट्रीम पे हो, MA 1, MA 2, FA 1, FA 2 दिए? सारे लोग हो, राइट? सो नो वन इज लाइक डायरेक्टली कमिंग टू F1, F2, FP1। अ वेरी माइनॉरिटी आई कैन सी, 10-15% रफली। ओके, MA 1 का जो पेपर है, लेट मी शेयर इट्स स्ट्रक्चर। सो इट्स लाइक द प्रीडिसेसर पेपर ऑफ F2। F2 का सबसे छोटा भाई यू कैन से। MA 1 के पेपर में जितना मुझे याद है आज भी, उसमें कुछ कुछ कॉस्टिंग का एरिया होता था, कुछ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एरिया होता था, लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टाइप रेशो, MIS टाइप, और आखिरी एक चीज हुआ करती थी विच वॉज स्प्रेडशीट, नॉट नॉट स्प्रेडशीट, दैट वॉज कंप्यूटर एंड रिलेटेड स्टफ स्टार्ट में होता था, राइट? अच्छा, पता नहीं क्यों शुरू से ये तो बिल्कुल ही नहीं पसंद रहा ना, कंप्यूटर और स्प्रेडशीट वगैरह वगैरह बिल्कुल ही नहीं पसंद रहा। एक सेकेंड, रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं। तो मतलब अल्लाह माफ करे, वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर कंप्यूटर और स्प्रेडशीट और वर्ड पढ़ाया जा रहा होता, छोड़ दो ना, नाम लेना जरूरी नहीं है। तो एक तो वैसे ही एक इंसान एक चीज में वीक हो, और इस तरह से समझ गए ना, तो पेपर में भी बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था। अब मुझे आज भी याद है, कॉस्टिंग का एरिया अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया था, मैनेजमेंट वाला वीक, और IT वाला तो सही है, बस अल्लाह वास्ते था। पेपर में जाके बैठे विद द कॉन्फिडेंस, बट मैंने, दैट वाज माय सेकंड पेपर, फर्स्ट वाज FA 1। सेकंड पेपर में जब जाके बैठे MA 1 के पेपर में, तो थोड़ा एक अच्छा रेपुटेशन अच्छी बनी हुई थी, अच्छे स्कोर करता है ये, टीचर्स को भी कुछ उम्मीदें होती है ना, नहीं ये अच्छा 80s वाला बच्चा है और 90s वाला, 90s तो नहीं, 80s वाला, तो उनको भी कुछ उम्मीदें थी। बाय द वे, MA 1 के जो मेरे सर थे, ही इज स्टिल इन TS है, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आज भी। कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, सही है ना, कॉस्टिंग वाला। आप लोग भी ऐसे ही होगा, राइट? कॉस्टिंग किसी और ने पढ़ाई होगी, कंप्यूटर, कंप्यूटर सर मुश्तबा, और जो MA 2 की कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग थी, इट इट कैन बी लाइक बहुत सारों में से कोई भी हो सकता है, राइट? जो दो तीन यहाँ टीचर्स हैं, सर एजाज हो सकते हैं, सर जीशान बकाली, सर मुजम्मिल, सर फरहान सईद, यस मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर फरहान सईद, तो ये तीन चार लोगों में से कोई होगा, बट IT देर वुड बी वन कॉमन सर मुश्तबा, राइट? अच्छा, मेरे वक्त में वो नहीं थे, तो सर मुश्तबा नहीं थे IT में, कोई और था, मैं नाम नहीं ले रहा था। सो IT वीक था, मैनेजमेंट थोड़ा सा बेहतर था, कॉस्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग। पेपर में जब जाके बैठे, मुझे आज भी याद है, 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट। 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 वर ऑन IT एंड मैनेजमेंट। अच्छा, एक कहते हैं ना यार, बचपन में सिखाते थे, बेटा ना आ रहा हूँ ना तो नेक्स्ट पे बढ़ जाना। अब जब नहीं आया, कंप्यूटर नेक्स्ट, कंप्यूटर नेक्स्ट, थर्ड मैनेजमेंट, फोर्थ नेक्स्ट, देन आई रियलाइज यार 10 सवाल हो गए, अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं किया, फिर वापस आए। अच्छा, अब मुझे याद है, उस पेपर में 45 क्वेश्चंस वर फ्रॉम IT एंड मैनेजमेंट, ओनली 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम कॉस्टिंग।
उन 5 में से भी 3 क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड पे कॉन्स्टेंट थे, और पूरे पेपर में देवर जस्ट ओनली 2 क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेटर यूज। मतलब यार आप MA 1 का पेपर देने जा रहे होते, एक माइंड होता है कैलकुलेटर इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा कहते हैं ना, मैं तो वर्किंग कर करके पूरा रफ पेज की भी बी कॉपी ले लूंगा, आधी एक आध जबरदस्ती है। कहाँ पे टांग रही थी लिटरली, जब एग्जिट का बटन दबाया, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए, इज्जत रह गई, 60s में मार्क्स आए, घर वालों की दुआएं थी। बट उस दिन एक चीज सीखी, पेपर में कभी कुछ छोड़ के नहीं जाना। मतलब वो होता है ना लिटरली, या अल्लाह बस आज पास करवा दे, आइंदा कभी नहीं करूंगा। तो दिल से वाकई ये दुआ निकली, एंड देन आई फॉलोड दैट। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी भी पेपर में ये नहीं किया कि ये नहीं आता, अल्लाह मालिक है, सुना है सीनियर से आता ही नहीं। नो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक एंड वर्स्ट स्ट्रेटेजी टू गो इन द एग्जाम। आप जितना अपने आपको इस चीज पे रख के लेके जाओगे, यार ये एक माह की तो आता है, छोड़ देते हैं, 49 भी आते हैं और 50 भी आते हैं लोगों के, तो नेवर नो के किस एक मार्क ने किसको कहाँ बॉर्डर से हैया से हुइया कर दिया। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, सो मेरा एक की मैसेज, पेपर अगर खराब हुआ, नेवर स्किप एनी एरिया, ट्राई टू कवर 100%, माई फर्स्ट मैसेज। और कुछ? और फ्रॉम योर फीडबैक, सो मैंने एक अपना पूरी एक स्टोरी सुनाई कि मेरी लर्निंग क्या थी कि कभी कुछ, सो मेरे वक्त में कंप्यूटर और IT और लाइक सेंस, मैं जिन वक्तों का हूँ 100 साल 200 साल पुराना, उस वक्त ये कंप्यूटर वगैरह तो नहीं थे, तो उस वक्त ये पेपर पेन का ही दौर था, तो मेरे लिए कंप्यूटर वॉज नॉट द इशू। बट आप लोगों से अगर मैं पूछूं, जिन लोगों ने पहले पेपर्स दिए, सर ये करते तो पेपर और अच्छा होता, मार्क्स और अच्छे आ जाते। बिल्कुल और एंड तो ये कहीं ना कहीं जाके इससे भी मैप होता है, बट इट इज मोर ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। हाउ टू अटेम्प्ट की जब मैं बात करता हूँ, सिंस देर इज वेरी माइनॉरिटी जिन लोगों का F6 फर्स्ट पेपर हो, तो मेजोरिटी को आइडिया है कि ACCA के जितने भी ये वाले पेपर हैं उसमें देर आर 3 लेवल। वन इज सेक्शन ए कंप्लीटली MCQ, सेक्शन बी MTQ, सेक्शन सी CRQs। सो CRQs पहले करने, MCQs पहले करने, MTQs पहले करने, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू अटेम्प्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू सेक्शंस, के कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है। ऑल्दो मेरी तरफ से इस पर गाइडेंस होगी, बट नॉट टुडे, प्रोबेबली समवॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट क्लास टाइप है। और आई एग्री, जो तीर पहली दफा निकल गया बस चल गया, अल्लाह मालिक। जितना जितना आप क्वेश्चंस को रिव्यू करोगे, अच्छा रिव्यू करते हुए अगर एक आध जगह सही गलती भी नजर आ गई ना, तो जो सही किया हुआ वो भी पूरा क्वेश्चन मार्क होना शुरू हो जाता है, या कहीं उधर भी गलती ना हो। सो आई एम सपोर्टर ऑफ दिस, ऑनेस्टली डू नॉट रिव्यू योर पेपर, व्यूज कैन बी डिफरेंट। तो अगेन जब आप रिव्यू करोगे, एक गलती भी नजर आई जो सही, अच्छा ये भी एक मसला, टाइम भी नहीं होता रिव्यू का, तो रिव्यू रिव्यू करने में अक्सर जो सही किया होता है वो भी गलत कर देता है इंसान, इम्प्रूव भी होता है। आई एग्री। सो उसके लिए बेहतर ये है कि स्किप करके आगे बढ़ जाओ रादर देन अटेम्प्टिंग इट।
वो तो मुझे याद है, मैंने देखा था अपने एसी के टैंक से भी एक लड़का कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा हुआ ऐसे कर रहा था, आंखें बंद थी, तो बाद में समझ आया कि वो तुक्का लगा रहा था कि जिस पे उंगली रुकी बस वही सही आंसर होगा। अ लॉट, सो व्हाट टू डू विद दैट? सो थ्योरी पार्ट को कवर करने के लिए क्या करें? एनीथिंग फर्दर? तो तुम ऑडिट की एक दिन पहले देख रहे थे, देर वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट इन ATX बेस्ड इन UK, उसका मेरे पास ट्यूजडे को पेपर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मंडे को उसका मेरे पास व्हाट्सएप आया है, सर आज मैंने रिकॉर्डिंग सारी देखना कंप्लीट कर ली है, एक दिन बचा है, बताए कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम किट से प्रैक्टिस करूँ। तो खैर कुछ नहीं, मैसेज देख के इग्नोर कर दिया था। होते ना सबसे तकलीफदेह चीज, ब्लू टेक आ गया रिप्लाई नहीं आ रहा, आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ ये अच्छा है, बताना कैसे एक्टिवेट करते हैं। एनी फर्दर थिंग? इफ नो तो मैं जरा इन पॉइंट्स को थोड़ा सा कंक्लूड करूँ इन स्कैटर्ड पॉइंट्स को। सो द फर्स्ट थिंग, टाइम मैनेजमेंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इज समवॉट लिंक्ड टू दिस पॉइंट, हाउ टू अटेम्प्ट सीक्वेंस। अ गुड टाइम मैनेजमेंट कैन सपोर्ट यू अलॉट। टाइम मैनेजमेंट कैन बी अचीव वाया द मॉक्स एक्सेट्रा। सो अगर आपके मॉक्स वगैरह अटेम्प्ट करोगे, यू विल लर्न द टाइम मैनेजमेंट। किसी ने बोला था प्रैक्टिस अलॉट, प्रैक्टिस से पहले जरा आते हैं इनडेप्थ नॉलेज पे। इनडेप्थ नॉलेज, सो इनडेप्थ नॉलेज इज वेरी फंडामेंटल फॉर एनी पेपर टू पास। मतलब ACCA में एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कहीं पे इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट आप किसी पेपर में किसी एरिया में कॉन्सेप्चुअली वीक हो एंड यू एक्सपेक्ट के मैं पेपर पास कर जाऊँ, वेरी डिफिकल्ट। यहाँ होते हुए कॉन्सेप्ट पास नहीं होते, वीक वाले लोगों को कहाँ से पास करेंगे। सो इनडेप्थ नॉलेज, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, दीज आर द टू लाइक फंडामेंटल पिलर, जिसके बगैर तो वो कहते हैं ना उस पेपर को पास करने वाली बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। सो फंडामेंटल पिलर। बट अगर मैं कॉस्मेटिक साइड पर बात करूँ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को मैं पर्सनली तीन एस्पेक्ट्स में डिवाइड करता हूँ। द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर नोट्स, जो भी क्लास में करवाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, सबसे पहले तो उसकी प्रैक्टिस होगी। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस इज, ऑनेस्टली दैट्स नॉट द सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट इज नोट, द सेकेंड इज इलस्ट्रेशंस और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम द बुक, दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ प्रैक्टिस। द थर्ड इज, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड एग्जाम किट्स, नॉट एग्जाम, एग्जाम किट्स, किट्स नॉट किट, सही है? आई कैन नॉट हाईलाइट दिस थिंग फर्दर, आई एम यूजिंग द वर्ड किट्स नॉट किट। सो सबसे पहले नोट्स, देन बुक की टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग और इलस्ट्रेशन, सही है? बुक में मतलब देखी होगी बुक, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी किसी ना किसी पेपर में, तो बुक में इलस्ट्रेशन, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जरूर सॉल्व करो। देखो जहां हम प्रैक्टिस, अच्छा जब आप इस चीज पे जाओगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश होती रहेंगी, इन डेप्थ नॉलेज भी स्टैब्लिश होगी, कॉन्सेप्ट अगर वेग है तो वो क्लेरिफाई भी होंगे। सो प्रैक्टिस के थ्रू आपकी ये चीजें ऑटोमेटिकली, ये पिलर्स स्ट्रेंथन होते रहेंगे।
किसी ने बोला 3 आवर्स के टाइम में रिलैक्स रिलैक्स टाइम है, लाइक हाँ। सो अच्छा, आई लिंक दिस पॉइंट विद दिस एंड दिस एज वेल। बहुत सारे लोगों का पेपर से पहले एक रूटीन ही होता है कि यार सारी रात बैठ के पढ़ रहे। सो पेपर से हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, महीना पहले, आई एम फाइन। आजकल के लोगों का नॉर्मल स्टूडेंट, हमारा भी कहीं ना कहीं था, क्योंकि दिन भर बींग अ बॉय, कभी दही लानी है, कभी हरा धनिया लेके आना है, आजकल के दूसरे मसले मसाइल हो गए, पेम्पर लाने वगैरह वगैरह। बट रात में कम अज कम ऐसी टेंशन नहीं होती थी। तो रात का टाइम, आजकल बींग गर्ल्स, आप लोगों के अपने चैलेंजेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों के चैलेंजेस नहीं है, वो आप लोगों को बेहतर पता होगा। बट मुझे ये बात पता है, रात में ऐसे कोई, समझ गए ना मतलब, आई होप यू अंडरस्टैंड, कोई मसले मसाइल नहीं होता है। आई कैन नॉट यूज दिस, मतलब बहुत छोटा वर्ड है मसले मसाइल, बहुत छोटा वर्ड है, बट तमीज का वर्ड अभी यही है सामने। हाँ मैं कह रहा हूँ, और बहुत ज्यादा हो सकता है वर्ड, बहुत ज्यादा हो सकता है, अच्छा नहीं लगेगा, मैं खामखा ही म्यूट करूँ। तो रात के लिए अब ओके, बट पेपर से एक दिन पहले एटलीस्ट प्रॉपर स्लीप, 7 घंटे, 8 6 घंटे, जितना एक एवरेज टाइम है उतने घंटे का टाइम प्रॉपर लो। बिकॉज अगर खुदा ना खासा पेपर में नींद ना पूरी होने की वजह से सर में दर्द हो रहा है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, ट्राई टू अवॉइड ऑल दैट स्टफ। इवन देर वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट Somewhat in March 23, he was very good in F6. He scored somewhat late 70s, early 80s. But in the next session, I'm not taking his name. आप में से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल में भी हो। In June session, he attempted F5 and got flunked. मेरी बात हुई, मैंने पूछा क्यों F5 में, ऐसा क्या हुआ था? कह रहे सर दो तीन प्रॉब्लम हो गए थे। क्या हुआ? पहला प्रॉब्लम, सर मैं रात में, अच्छा इसमें उसका कसूर नहीं था बट टू सम एक्सटेंट, सर वो रात में जो है ना पेपर से एक दिन पहले लाइट नहीं थी, रात में सो नहीं पाता, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, कहने लगा सर मैं घर से पेपर के लिए निकला सो ही यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कह रहे सर वो रास्ते में मैं एग्जाम सेंटर में ही आधे घंटा लेट पहुंचा। कह रहे अब सर में दर्द अलग हो रहा है, एग्जाम सेंटर में आधे घंटा किसी को हो सकता है ये पता हो, वो कोई भी कॉल करे, एग्जाम हॉल में आधे घंटा लेट पहुंचा। इन दोनों चीजों की वजह से, इन दोनों चीजों की वजह से ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस, फोकस नहीं कर पाया। सो जो हम एग्जाम एनवायरनमेंट, टाइम मैनेजमेंट, आधा घंटा वैसे ही गुजर गया है, ये वाला प्रेशर टेंशन, वो कहते हैं ना एक डोमिनो इफेक्ट, एक चीज बैड हुई दूसरी चीज बैड हुई, कंटिन्यूसली डोमिनो इफेक्ट आता रहा। सो पोस्ट हियरिंग दैट एंड आई एग्री कि यार रास्ते में जो है ना टाइम लग सकता है। सो मैं लास्ट सेशन में जो लोग थे उन लोगों को भी मैंने एक एडवाइस ये किया था कि जितना आपका घर से एग्जाम सेंटर का रास्ता है उससे 15 20 मिनट आधे घंटे पहले निकलो, पहले पहुंचने में कोई बुराई नहीं है, हाँ इंतजार करना होगा, आप उस टाइम पे अपना फाइनल नोट्स कुछ घुमाने, कोई चीज देखनी है देख सकते हो, लेट पहुंचते में मसाइल हैं, तो बेटर टू अवॉइड द रिस्क। डोंट लूज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट, वी डिस्कस दिस थिंग नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, नहीं आता आगे बढ़ो, बस ये ख्याल करना आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट क्वेश्चन पे ना पहुंच जाओ। अब आगे बढ़ने के लिए के कुछ ना रहेगा, वापस पीछे जाना पड़े। बट अगर कोई चीज बहुत डिफिकल्ट या बहुत ऑफ लगती है, फॉर एग्जाम्पल इन F7 पेपर कोई ऐसी रेशियो कैलकुलेशन आई हुई है जो बिल्कुल नहीं समझ आती और एनीथिंग स्टफ लाइक दैट, आगे बढ़ो, रादर देन स्पेंडिंग द टाइम, वेस्टिंग द टाइम एंड थिंकिंग अराउंड के यार क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन लेने से बेहतर है आगे बढ़ो, कम बैक टू दैट क्वेश्चन लेटर ऑन। अच्छा कुछ लोगों का एक ओपिनियन ये भी होता है कि तुक्का लगाते हैं एट द मोमेंट,
आगे बढ़ने से बेहतर है तुक्का लगा दें या बाद में वापस आ जाएं? सो टू अच्छी बात तो ये, अगेन आप लोगों के साथ एक अच्छी बात ये कि देर इज अ फ्लैग ऑप्शन एज वेल। अच्छा, हमारे वक्त में तो ये भी नहीं होता था फ्लैग ऑप्शन, मतलब अटेम्प्ट कर लिया नहीं किया तो कोई अलग से फ्लैग टाइप नहीं होता था। सो एटलीस्ट फ्लैग दैट क्वेश्चन, तुक्का लगाना है नहीं लगाना अ डिफरेंट स्टोरी, फ्लैग दैट क्वेश्चन किया है, मुझे इस क्वेश्चन पे वापस आना। लास्ट टेक्स्ट बुक रीड, सो रीडिंग अपनी जगह में, लेट मी हैव वर्ड ऑन दिस, बट एक चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने कम्युनिकेट की कि जितनी भी टेक्स्ट बुक के अंदर इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स या टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें अटेम्प्ट करनी। बुक रीडिंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर ऑफ बुक रीडिंग, करनी चाहिए? अच्छा, थियोरेटिकली तो माशाल्लाह बहुत सारे हाथ उठे हैं, आई आई एम हैप्पी टू सी दिस। प्रैक्टिकली कितने लोग फॉलो करते हो, ठीक करते भी हो? ऑनेस्टली बी ऑनेस्ट, देखो मुझसे कोई झूठ बोल के ना। मुझे नहीं पता तुम F6 को किस तरह से इन कैटेगरीज में से कैटेगराइज करोगे, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव है नहीं है, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट के बुक को एटलीस्ट स्किम थ्रू जरूर करो। हाँ, स्किमिंग में जहाँ लगे कि यार आई एम नॉट क्लियर, गो इन टू द डिटेल, बट एटलीस्ट स्किम थ्रू जरूर करना। सो व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड स्किम थ्रू का मतलब ये कि की टर्म्स, फास्ट फॉरवर्ड्स, समरी, ये चीजें पढ़ो एटलीस्ट। इफ यू आर क्लियर फ्रॉम देम, नो इशू, आगे बढ़ जाओ। बट इफ यू आर नॉट क्लियर फ्रॉम देयर, समरी पढ़ी नहीं समझ आए क्या बात हो रही है, देन गो इन टू द डिटेल, अदरवाइज नो नीड टू गो इन टू द डिटेल, आगे बढ़ सकते हो। सही है। सो टेक्स्ट बुक रीडिंग में की डिस्कशन टेक अवे, स्किम थ्रू एटलीस्ट जरूर करना है, जहां पे स्किमिंग इज नॉट एनफ देन गो इन टू द डिटेल। सही है। नेवर स्किप एरिया, स्लीप प्रॉपर वी डिस्कस्ड, डू नॉट रिव्यू पे कुछ बात करनी है? नहीं करनी। डू नॉट रिलाई ऑन रिकॉर्डिंग, यू गाइज रिलाई ऑन रिकॉर्डिंग समटाइम, यू गाइज रिलाई ऑन रिकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें एंटायर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सो आई एम नॉट सेइंग के हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट मेरा एक अपना ओपिनियन ये कि यार सो इफ यू आर अटेंडिंग द क्लास, अब ऑनलाइन वालों के अपने चैलेंजेस रहते हैं, अंडरस्टैंड, कभी इंटरनेट हो गया, कभी कोई बुलाने आ गया, डिस्टरबेंस घर की एक अपनी हमेशा रहती है, सो नो थॉट प्रोसेस ऑन दैट। लाइक इफ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम या कभी मैं क्लास ले रहा हूँ घर से, मेरी सबसे छोटी बेटी आ जाएगी, बाबा ये बाबा वो, उनकी अपनी शुरू हो जाती है कहानी, और एट टाइम्स जो दोनों बड़ी बेटियां हैं उनकी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, वो बाबा की अदालत में जो है ना अपना प्रॉब्लम लेके आ जाती है, देखो उसने ये तो उनको बोलना पड़ता बेटा, कैन कैन वी डिस्कस इट आफ्टर द क्लास, बाबा की क्लास हो रही है, और इफ वर्किंग फ्रॉम होम बाबा इज इन अ मीटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो रिकॉर्डिंग की ऑनलाइन वालों को जरूरत तो पड़ती है। हम लोग जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो हमारे वक्तों में बोला जाता था कि पढ़ते हुए मोबाइल हाथ में ना हो, एंड वी टू सम एक्सटेंट, नॉट मच एक्सटेंट इनफैक्ट, वी फॉलो दैट थिंग एज द, आज बोल सकते हो पढ़ते हुए मोबाइल हाथ में ना हो, बोलते नहीं वो खाली बोलना ही होगा, वरना मतलब आजकल जब कोई भी बंदा पढ़ने बैठता है लैपटॉप और मोबाइल हाथ में होता है, सो बुक रीडिंग नॉर्मली इट्स द PDF बेस्ड, नॉट द हार्ड कॉपी, जब पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल हाथ में होता है, जो नहीं समझ आया क्वेश्चन खींचा ग्रुप पे भेज दिया, फिर ग्रुप पे एक अलग जंग शुरू हो गई,
ये यूं सब कूद पड़ते हैं ना, मतलब जिन्हें आता है वो भी, जिन्हें नहीं आता वो भी। कोई बात नहीं, बाद में डिलीट कर देंगे, बेल बजा के भाग जाएंगे रिप्लाई करने। सो रिलाई ऑन रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एंड स्पेशली डू नॉट कीप इट फॉर द लास्ट मोमेंट। सो रिलाई ऑन रिकॉर्डिंग इज डिफरेंट थिंग, बट डू नॉट कीप इट कि आखिर में देखेंगे। कवर इट टाइम टू टाइम, कवर इट टाइम टू टाइम। लास्ट डिस्कशन फिर उसके बाद जरा F6 रिलेटेड बातें करेंगे। मैं कभी जनरल जो चीजें आपको शायद थ्रू आउट ACCA फॉलो करनी है, मैं उन पे बात कर रहा था। रिविजन टाइम टू टाइम, या कश्ती को आखिर में, वो कहते हैं ना फुल जंगी जहाज को, वो क्या होता है, तूफान में से गुजारने का मजा अलग है, नॉर्मल कश्ती चलाने का इतना मजा नहीं आता। व्हाट, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर के यार आखिर में जो है ना वो फुल जब तूफान पीक पे, उसमें से कश्ती गुजारने का मजा अलग है। कितने लोग इस फेवर में हो? नहीं, टर्बो तो आखिर में लगता है। सो देखो, टर्बो तो आखिर में लगता है, दैट्स व्हाट आई एग्री, बट आखिर का मतलब ये है कि सो सितंबर, आई कैन टेल यू नो नीड इन द मंथ ऑफ सितंबर, नो नीड टू ओपन द बुक्स, नो नीड टू ओपन द एग्जाम्पल, बट एटलीस्ट टू द एक्सटेंट जो क्लास में काम हो रहा है नेक्स्ट क्लास तक उसको रिवाइज कर लो। कितना, जो क्लास में काम बात हो रहा है उसको नेक्स्ट क्लास तक रिवाइज कर लो, दैट्स एनफ एट द मोमेंट। जब आप अक्टूबर के महीने में आओगे, अक्टूबर के मंथ में, हाँ अब जो थोड़ा बहुत तुम्हारा सिलेबस कवर हो गया उसके लिए थोड़ा बहुत इसको रेफर करो बुक को, ये ना कौन सी, फेसबुक तो नहीं बोलूंगा मैं। अच्छा, ये पब्लिशर कौन सा? सो यू कैन फॉलो दैट TX की बुक ऑफ कैप्लान, सॉरी हाँ मतलब स्टडी टेक्स्ट कैप्लान नहीं, स्टडी हब। सो स्टडी हब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने बहुत ज्यादा इसको विजिट नहीं किया, बट स्टडी हब प्रोबेबली वो अभी प्रॉपर लाइव नहीं हुआ है। आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग। हो गया है लाइव प्रॉपर? देन आई नीड टू चेक दैट। मैंने उसको बहुत ज्यादा भी चेक नहीं किया। तो मैंने लास्ट जब चेक किया था दैट वॉज अराउंड मंथ ऑफ जून, मंथ ऑफ जून, तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा लाइव नहीं था, बट अभी मुझे नहीं पता, मैंने अभी चेक नहीं किया रिसेंटली। मैं फिर कह रहा हूँ अभी सितंबर में मैंने चेक नहीं किया, सो आई नीड टू चेक फॉर दैट। सो अब रिविजन टाइम टू टाइम एलिमेंट, रिविजन टाइम टू टाइम के लिए द इम्पोर्टेंट इज जो काम हो रहा है एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास में आने से पहले उसे रिवाइज कर लो। अच्छा, ये चीज वैसे तो वर्कआउट हो सकती है, बट शायद यहाँ पे प्रॉब्लम हो। लाइक सैटरडे शायद 5:30 बजे आप छुट्टी देंगे, 6 साढ़े 6 बजे हैं, हम घर पहुँचेंगे, फिर हमारी एक अपनी सैटरडे इवनिंग लाइफ और सैटरडे नाइट लाइफ भी होती है, तो हमें वो भी जीनी है, तो संडे तक तो नहीं हो पाएगा। आई एम फाइन सैटरडे की चीज, मतलब एक खुदा ना खाता कोई गजनी तो नहीं होगा ना, सैटरडे को शाम में 5:30 बजे छुट्टी होगी, संडे को 10 बजे तक, तो एक नॉर्मल रिटेंशन भी रहेगी अनलेस कोई घटनी एलिमेंट हो, तो वी आई एम फाइन। बट इस संडे के बाद ट्राई योर बेस्ट के जो नेक्स्ट सैटरडे आ रहा है उसमें सैटरडे संडे की चीजें रिवाइज होंगी। अगर रिविजन टाइमली नहीं करोगे तो व्हाट, दिस इज पर्टिकुलर टू F6 नाउ। F6 के अंदर कीप रिमेंबर माई वर्ड, मोटी मोटी बहुत सारी चीजें नहीं, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, वो छोटी छोटी चीजें सारी मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो द बेस्ट वे टू रिटेन दैट छोटी छोटी चीजें इज टाइम टू टाइम अपनी चीजें रिवाइज करते रहो। टाइम टू टाइम चीजें रिवाइज करते रहोगे, चीजें मेमोराइज होती रहेंगी, एंड अगेन देर इज एक, मतलब गोरों के पास करने को कुछ नहीं होता था, वो रिसर्च वर्क वगैरह बहुत करते रहते हैं, देर इज अ रिटेंशन थ्योरी विच दे शेयर। अगर आपने कोई चीज आज पढ़ी पहली दफा और अगर आप उसको विद इन 24 आवर्स रिवाइज रिकॉल कर लो,
उसकी रिटेंशन वर्सेस जो चीज आज पहली दफा सुनी और उसको एक हफ्ते बाद देखोगे, किसकी रिटेंशन ज्यादा होगी? सो दैट्स व्हाई आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि जो चीज पढ़ रहे हो ना उसको विद इन लाइक 24, चलो 24 ना सही, 48 आवर जरूर रिवाइज कर लिया था। खैर, ये थी कुछ जनरल बातें रिलेटिंग टू पढ़ाई लिखाई। जरा थोड़ी सी स्पेसिफिक बातें कर लें फॉर F6। F6 में आप लोगों को पता होगा, सिंस इट्स द पेपर ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन जिस तरह हम लोग अपने पास P&L नहीं, जिस तरह हम लोग अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड। एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा, राइट? अगर कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, इसका मतलब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी दैट वुड बी 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक की इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरह अगर लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023, 1 जुलाई से, मतलब जब भी आप अपने अकाउंट्स फाइनेंशियल्स वगैरह बनाते हो तो दैट इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड। इसी तरह जब भी आप कभी टैक्स कैलकुलेट करते हो दैट इज कैलकुलेटेड फॉर अ टैक्स ईयर और कॉल्ड एज फिस्कल ईयर। ये जो टैक्स ईयर और फिस्कल ईयर है इट स्टार्ट्स ऑन 6 अप्रैल एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 5 अप्रैल नेक्स्ट ईयर। जो भी हमेशा आपका अकाउंट नहीं, जो भी आपकी हमेशा टैक्स कैलकुलेशन होगी वो भी एक साल के लिए होगी। दैट साल जिसके लिए आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन करते हो दैट साल इज कॉल्ड एज फिस्कल ईयर। दोबारा, फिस्कल ईयर किसको बोला जाता है? फिस्कल ईयर इज द टैक्स ईयर फॉर विच वी कैलकुलेट, जिस पीरियड के लिए मैं अपना टैक्स कैलकुलेट करता हूं दैट पीरियड इज कॉल्ड एज फिस्कल ईयर। मैंने आपको बताया इन जनरल द फिस्कल ईयर इज फ्रॉम 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल। एट द मोमेंट जो मेरे लिए एग्जामिनेबल फिस्कल ईयर है दैट इज फ्रॉम 6 अप्रैल 2022 से लेके 5 अप्रैल 2023, एंड दिस इज एब्रीविएटेड एज FY। FY मतलब 22 23। सो अगर कहीं वर्ड लिखा हुआ है FY फिस्कल ईयर 22 23, तो इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट 6 अप्रैल 2022 से लेके 5 अप्रैल 2023। इसी तरह अगर मैं आपसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस पूछूं दिस इज फिस्कल ईयर 22 23, इससे अगला फिस्कल ईयर कौन सा होगा? डेट्स टू बी एग्जैक्ट। That would be fiscal year. और अगर मैं आपसे पूछूं इससे पिछला फिस्कल ईयर कौन सा होगा, इससे मतलब जो अभी चल रहा है, दैट वुड बी फिस्कल ईयर 2023। इफ यू नोटिस एक अजीब सी बात, मैं यहाँ पे कह रहा था ये फिस्कल ईयर चल रहा है, क्या वाकई ऐसा है? यस नो? इसके साथ लिखते हुए मैंने बोला था ये फिस्कल ईयर चल रहा है, पता नहीं किसी ने इतना फोकस नहीं किया तो और से समझ लिया जाएगी। क्या वाकई ये फिस्कल ईयर चल रहा है? ये तो खत्म हो गया था 5 अप्रैल 2023 को, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सितंबर 2023 में बैठे हुए हैं। सो
तो प्रैक्टिकली फिजिकल ईयर कौन सा चल रहा होगा? कीप रिमेम्बर, ACCA नॉट ओनली ACCA, अक्रॉस द वर्ल्ड जहां कहीं टेक्स का पेपर होता है वो हमेशा फिजिकल ईयर खत्म होने के बाद एग्जामिन हो रहा होता है। तो कभी भी ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर एग्जामिन नहीं होगा, हमेशा कब होगा? फिजिकल ईयर खत्म, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल खत्म होने के बाद बनती है, ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनती। इसी तरह टैक्स कैलकुलेशन ड्यूरिंग द ईयर नहीं होगी, साल, क्योंकि जब साल खत्म होगा जब ही तो पता चलेगा पूरे साल कितना कमाया कितना गवाया, यू नो। सो इसी वजह से जो भी ACCA के पेपर्स होते हैं वो हमेशा साल खत्म होने के बाद स्टार्ट होते हैं। दैट्स वाई ये जो फिस्कल ईयर 22-23 है ये कब एग्जामिन होता है? एक साल तक एग्जामिन होता रहता है, जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23 एंड मार्च 24। मार्च 24 के बाद नया फाइनेंस एक्ट वुड बी एग्जामिनेबल। सो यू कैन से एक फाइनेंस एक्ट साल में 4 दफा एग्जामिन होता है। 4 दफा कब कब एग्जामिन होता है? सो इट्स फिस्कल ईयर 22-23 कब कब एग्जामिन होगा? जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च 24। सो दिस वुड बी द थर्ड अटेम्प्ट ऑफ दिस फाइनेंस एक्ट, सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट ऑफ दिस फाइनेंस एक्ट। डन। फाइनेंस एक्ट की ये कुछ बातें करने के बाद पेपर फॉर्मेट के ऊपर बात कर लेते। पेपर फॉर्मेट लाइक ऑल अदर पेपर्स आर, TX का पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर 15 OTQs, 2 मार्क्स सीट, टोटल ऑफ 30 मार्क्स, टोटल MCQs। तो MCQs को ACCA वाले तमीज की लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन बोलते हैं, तो मैंने भी वही लैंग्वेज यूज करने की कोशिश की। देन सेक्शन बी 3 सिनेरियोस एंड 5 OTQs इन ईच सिनेरियो। अ टोटल ऑफ अगेन, अ टोटल ऑफ अगेन 15 OTQs, अ टोटल ऑफ अगेन 15 OTQs, अगेन ट्रांसलेटिंग इनटू। अच्छा मैं जरा इस एरिया पे बात करता हूँ, इस एरिया पे अभी एट द मोमेंट बात नहीं कर रहा। सेक्शन सी द CRQ सेक्शन, 40 मार्क्स इन टोटल 3 क्वेश्चन। आउट ऑफ दीज 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन आर 15 मार्क्स की। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा इस एरिया को, ग्रीन बॉक्स एरिया को डिस्कस करने के लिए। सो ग्रीन बॉक्स एरिया इज टू बी डिस्कस, बट मैंने एक जनरल आइडिया ये दिया कि सेक्शन ए 30 मार्क्स कंप्लीट MCQ, सेक्शन बी अगेन 30 मार्क्स बट OTQs, MCQs बट सिनेरियो बेस्ड। 3 सिनेरियोज होंगे, एक सिनेरियो के अंदर 5 MCQs OTQs होंगे, अगेन 30 मार्क्स। एंड थर्ड सेक्शन, सेक्शन सी वुड बी CRQ बेस्ड सेक्शन, CRQ बेस्ड सेक्शन। और एनीथिंग फ्रॉम दिस? मुझे ये ग्रीन बॉक्सेस कवर करने, मैंने अभी कवर नहीं किया, मैंने अभी सिर्फ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई है। लास्ट मोमेंट वाली पढ़ाई नहीं, लास्ट मोमेंट वाली हर चीज याद रहती है, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, बहुत याद है। क्या क्या बताऊं, लोग भी याद रहते हैं लास्ट मोमेंट वाले, लोग ही तो नहीं, मैं कह रहा हूँ लोग भी, उनकी बातें भी याद रह जाती हैं, बातें यादें। खैर आगे बढ़ते। हाँ। हाँ
द नेक्स्ट डिस्कशन इज अराउंड फिस्कल ईयर। सो फिस्कल ईयर के ऊपर अभी थोड़ी सी बात हुई थी। फिस्कल ईयर को मैंने डिफाइन किया था, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। फिस्कल ईयर और टैक्स ईयर किस चीज को बोला जाता है? फिस्कल ईयर टू बी एग्जैक्ट इज द टैक्स ईयर जिसके लिए मैं अपनी टैक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करता हूँ। सो दैट फिस्कल ईयर इज कॉल्ड एज टैक्स ईयर, सॉरी दैट टैक्स ईयर इज कॉल्ड एज फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मेरे लिए जो एग्जामिनेबल होगा दैट इज 2022-23 एंड इट इज रिटन एज फिस्कल ईयर 2022/23। मेरा ख्याल है ये जो लास्ट में बात लिखी हुई है लास्ट टाइम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। क्या, सभी सॉरी, स्टूडेंट ऐसे हैं कि इसका इन्वोल्वमेंट करवाने की तो वो एक्टिव प्लानिंग एक्टिव को जो दोबारा कर रहे हैं वो रिलेटेड चीज है और जिनकी थीसिस के लिए वो क्लास में चीज के लिए गुड पॉइंट। सो गुड क्वेश्चन। मेरा ख्याल है सर की इंस्ट्रक्शंस काफी आसान सी थी, आप लोगों को बेहतर पता होगा। यस नो, अरे जो सर आया अटेंडेंस शीट दी और जो पता नहीं क्या क्या बोल के गए। समझ सुन लिया था, समझ लिया था, गुड। क्योंकि जो लोग फेल कर रहे हैं वो फेल करते रहे, बाकी लोग इधर कंटिन्यू करें। आप फिस्कल ईयर पे बात हो गई, दिस इज रेलिवेंट टू दोज हु आर टेकिंग टीएक्स यूके इन एन एग्जाम इन द पीरियड फ्रॉम जून 23 टू मार्च 24। टू क्वेश्चंस, अभी जब ये सब अटेंडेंस और ये सब चीजें हो रही थी तो मुझसे एक ने पूछा, मैं लेट मी रिस्पॉन्ड विद ऑल ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन, सर क्या ये डेट फिक्स होती है? सेकंड क्वेश्चन, क्या ग्लोबली पूरी दुनिया में ये डेट फॉलो होती है? तो अगर मैं आप लोगों से दोनों क्वेश्चंस पूछूं, क्या ये डेट हर साल फिक्स होती है? ये ये तो सेकंड क्वेश्चन है ना, कि ये ग्लोबल है या यूके स्पेसिफिक है। तो पहला सवाल, फिक्स होती है, चेंज होती है? फिक्स तो होती है, बस ये चेंज होता रहेगा, ये चार चीजें चेंज होती रहेंगी, राइट? ये भी हो सकता है चेंज, मगर उसके लिए जो एक वो कहते हैं ना, एक लॉ को चेंज करने वाली प्रैक्टिस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ, नॉट हमारे यहाँ, हमारे यहाँ का वर्ड इज रॉन्ग, पूरी दुनिया में अगर कोई भी कंट्री का लॉ चेंज करना हो, आप सब लोगों ने एफर्ट पढ़ा हुआ होगा, राइट? दिया हो ना दिया हो इज अ डिफरेंट थिंग, पढ़ा हुआ सबने होगा। कोई ऐसा जिसने एफर्ट पढ़ा ही ना हो? कोई बात नहीं, 6-8-10 लोगों की खैर है। जनरल नॉलेज बेस्ड, दे कैन यूज द जनरल नॉलेज लॉ चेंज करने के लिए। हु इज द अप्रूविंग अथॉरिटी? शुक्र है पार्लियामेंट हम बोल सकते हैं, वरना कुछ लोग तो वो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट वाले भी होते हैं। सो दिस कैन बी चेंज, बट इसका चेंज ऑब्वियसली पार्लियामेंट से अप्रूव होना होगा। बट इफ पार्लियामेंट डज नॉट चेंज दिस, तो बाकी सब चीजें चेंज रहेंगी, ये चीज चेंज होती रहेगी। दिस इज फर्स्ट टेक अवे। सेकेंड थिंग, क्या ये डेट ग्लोबली फिक्स होती है? द आंसर इज नो। ये डेट कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान में फिस्कल ईयर रन्स फ्रॉम फर्स्ट जुलाई से 30 जून। पाकिस्तान में जो फिस्कल ईयर रन होता है दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। एंड सिंस वी आर स्टडिंग यूके टैक्स, सो यूके टैक्स के लिए जो फिस्कल ईयर है दैट इज फ्रॉम 6 अप्रैल टू
स्टार्ट फ्रॉम 6 अप्रैल, एंड्स ऑन राइट, और वी डिस्कस दिस इज कॉल्ड एज फिस्कल ईयर 2022-23। डन। अच्छा मैं कंटिन्यू करता हूँ, बट जरा एक जनरल नॉलेज की बात और। पाकिस्तान में पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम इज गवर्न्ड बाय, लाइक हु इज द टैक्स अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान? एफबीआर। एफबीआर स्टैंड फॉर यूके में जो टैक्स की अथॉरिटी इज HMRC, हर मैजेस्टी, वो हर तो रही नहीं है, बट अभी तक इन्होंने नेम चेंज नहीं किया कि वो हिस कर दें, अभी भी हर पे ही चल रहा है। सही है, बट इट इज HMRC, हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम डिपार्टमेंट। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, बाय चांस द नेक्स्ट डिस्कशन इज अराउंड द टैक्स अथॉरिटी। मैं जरा इस पेज पे बाद में आता हूँ। आई लाइक टू इंसर्ट वन पेज टू हैव सम डिस्कशन। अभी हमारी जस्ट इत्तफाकन बात हुई ऑन द टैक्स अथॉरिटी। फॉर यूके इट इज HMRC, फॉर पीके, पीके मतलब पाकिस्तान राइट, इट इज FBR। अगर मैं आपसे पूछूं टैक्स अथॉरिटी की रोल्स स्लैश रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती, मैं भी आपसे जस्ट टेकिंग योर फीडबैक, जो बोलोगे मैं लिखता जाऊंगा, जरा मतलब समझ गए ना। टैक्स कलेक्ट करती है, गुड। टैक्स, सॉरी, टैक्स इस इंडस्ट्री को इतना टैक्स देना है, इस बंदे से इतना टैक्स देना है, सो आर यू टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ टैक्स? रेट ऑफ टैक्स, गुड पॉइंट। सो इसको मैं और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लिख देता हूँ, टैक्स लॉ प्रिपरेशन मे बी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना, व्हाट एल्स, सॉरी, टैक्स कलेक्शन, और कोई आवाज आई, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाना, थोड़ा इसको, चलो लेट आई विल आस्क यू, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाना से क्या मुराद है, और टैक्स फाइल करना, या यू यू आर मे बी ट्राइंग टू से टैक्स कैलकुलेट करना, और रिलीफ देना किसको, और यस प्लीज, वेरी गुड, गाइडेंस प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना ऑन टैक्स लॉ राइट, यार अकाउंटिंग सोने आती नहीं है ऐसी, ऐसा हम समझते हैं, एंड टैक्स रिटर्न्स, आगे भी कुछ बोल दो, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना, सो हमने यहाँ पे बोला टैक्स फाइल करना, कैलकुलेट करना, मैं फिर भी आपके कहने पे लिख देता हूँ, टैक्स क्या बोला था, रिटर्न को क्या करना था, प्रिपेयर करना था, टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करना, इस रिटर्न को प्रिपेयर करना इज कॉल्ड एज टैक्स फाइलिंग, बाय बाय। और तो उसको रजिस्टर कर दे, तो वो कलेक्शन एंड रेगुलेशन में नहीं आएगा, आई एम जस्ट आस्किंग, इफ यू से नो मैं लिख दूंगा अलग से। नहीं, आपने पूछा कि आज एक बंदा टैक्स फाइलर बनना चाहता है, तो आई आई हियर यू, यू आर सेइंग द राइट थिंग, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं फाइलर बनना चाहता हूं, क्या वो इस
हेडिंग कैंबिट में आएगा या नहीं आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम टेकिंग योर व्यू। आप बोलो नहीं सर मेरे हिसाब से नहीं आएगा, आई विल राइट इट एज अ सेपरेट पॉइंट। ओके लेट्स टेक द व्यू ऑफ अदर। सो आई होप यू गाइस हैव हर्ड टैक्स फाइलर बनना, सही है। मैं आज तक टैक्स जमा नहीं करवाता था, इनकम कम थी, छोटा बच्चा था, आज बड़ा हो गया, टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहता हूँ, फाइलर बनना चाहता हूँ, तो ये क्या टैक्स कलेक्शन एंड रेगुलेशन के एम्बिट में आएगा? कह रहे हो तो मैं लिख देता हूँ, इट इज क्या था टैक्स, दोबारा बोलना। अच्छा टैक्स फाइलर के तौर पे रजिस्टर होना, और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये कौन था, फ्रॉड पकड़ के, फ्रॉड एंड इट्स इन्वेस्टिगेशन, गुड वन। बजट प्रिपेयर करना, एंड लास्ट टू, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, कुछ तो कहो, सब हो गए, वाह वाह क्या कहा है। ओके परफेक्ट। सो ये मेरे पॉइंट्स या ये वाकई के काम नहीं थे, ये वो चीजें थी जो आप लोग बता रहे थे, सही है। अब मैं इसमें से काटा कूटी शुरू करता हूँ कि क्या चीजें हैं टैक्स अथॉरिटीज के काम है, क्या चीज नहीं है, और अगर कोई चीज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस आउट हुई है आई विल एड दैट अप। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट टैक्स कलेक्ट करना, रेगुलेट करना, यस आई एग्री दिस इज द टैक्स अथॉरिटी का काम काज। रेट ऑफ टैक्स, टैक्स लॉ प्रिपेयर करना, ये टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं है, कीप रिमेम्बर। इसी तरह बजट प्रिपेयर करना, ये टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं है। तो सर फिर ये किसका काम है, रेट ऑफ टैक्स, टैक्स लॉ प्रिपेयर करना, बजट प्रिपेयर करना? मेरी बात गौर से सुनना और इसको याद रखना, ये दोनों चीजें रिजाइड्स विद द एम्बिट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, ये दोनों चीजें रिजाइड्स विद द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। नाउ फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, बजट प्रिपेयर करता है, बजट प्रिपेयर करने के बाद पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने के बाद पार्लियामेंट उस बजट को अप्रूव, और अगर डिसअप्रूव किया तो दोबारा से वो बजट बना के लेके आएगा, बट अप्रूव किसने करना है, पार्लियामेंट। जब तक पार्लियामेंट बजट को अप्रूव नहीं करेगी वो कंट्री पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वंस इट इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट देन ये बजट कंट्री पे एप्लीकेबल होगा। सो अगेन टैक्स लॉ बनाना, रेट ऑफ टैक्स डिसाइड करना, समवन सेट किस सेक्टर से किस इंडस्ट्री से कितना टैक्स लेना है, ये चीजें कीप रिमेम्बर टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं है। ये चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स टैक्स लॉ बनाए, बजट बनाए, बजट को पार्लियामेंट में अप्रूव करवाए, एंड वंस अप्रूव इट वुड बी एप्लीकेबल ऑन कंट्री। फाइनेंस मिनिस्टर ये जो बजट पूरा बनाता है ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हुए बनाता है। सो रेट ऑफ टैक्स इकोनॉमी को कंसिडर करते हुए, याद रखना, डिसाइड करना टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं है। हाँ टैक्स अथॉरिटी ये जरूर कर सकती है, एडवाइस करे टू फाइनेंस मिनिस्टर, सर आजकल ये वाला सेक्टर जो है ना इसको सपोर्ट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री में जिस साल बारिशें हुई थी बहुत ज्यादा, भी 2 साल पहले, देन एज अ कंट्री वी एज अ फाइनेंस कंट्री वी डिसाइडेड के यार
एग्रीकल्चर वालों का वैसे ही बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो एक काम करते हैं इनको थोड़ी सी रिलीफ देते हैं। रिलीफ किस तरह से दी? उनके लिए रेट ऑफ टैक्स कम कर दिए। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार, आज मुझे इस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, फॉर एग्जाम्पल आई फील लाइक मुझे आज आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट करना है इन द कंट्री, व्हाट आई विल डू इज वहां पे मैं रेट ऑफ टैक्स कम कर दूंगा या खत्म कर दूंगा। इट कुड बी एनी डे एनीथिंग, बट अगेन ये चीज टैक्स अथॉरिटी एडवाइस तो कर सकती है, खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। सही है। अब टैक्स अथॉरिटी फाइनेंस में कहते हैं ना, कान में उनके बात डालेगी, फाइनेंस मिनिस्टर को सोचेगा उस पे। अब जैसे टैक्स अथॉरिटीज ही तो एडवाइस करती होंगी, सर बजट में थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, वो बोलता होगा एक काम करते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिगरेट विगरेट पे टैक्स बढ़ा दो, लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, बढ़ा भी दोगे फिर भी लोग कंज्यूम करते रहेंगे। सही है, बढ़ा देता है तो एडवाइस कर सकते हैं। फाइनेंशियल पॉलिसीज दे डू नॉट इन द सेम वे, फाइनेंशियल पॉलिसीज दे डू नॉट रिजाइड विद द टैक्स अथॉरिटी। कंट्री की फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंसिडर करना, ये सारी चीजें इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं है। जस्ट टू शेयर विद यू अ जनरल नॉलेज, तो फाइनेंस मिनिस्टर का काम है पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करना, कंसिडर करना। एज पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए दो तरह के पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, ये जो था ना फाइनेंशियल पॉलिसीज। सो वन वन टाइप ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी इज कॉल्ड एज, एंड सेकेंड वन इज, ये दोनों की चीजें किसी भी इकोनॉमी के लिए। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होती है, मैं ये देखो मेरा वर्ड गौर करना, ये नहीं कह रहा फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है, आई एम यूजिंग द वर्ड किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होती है, किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होती है, टैक्स अथॉरिटी के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज के थ्रू, किस अथॉरिटी के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सो इन पाकिस्तान सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज लाइक, सही है, तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक के थ्रू, फिस्कल पॉलिसी टैक्स अथॉरिटी के थ्रू, बट अगेन ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टैक्स अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। देन वेरी इंटरेस्टिंग, टैक्स फाइल करना, कैलकुलेट करना, क्या ये टैक्स अथॉरिटी का काम है? कीप रिमेम्बर, ये टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं है। टैक्स फाइल करना, टैक्स कैलकुलेट करना, ये हमेशा टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मुझे अगर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो टैक्स अथॉरिटी मेरा टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगी, मेरे टैक्स कैलकुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी, बिकॉज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कितना कमाता हूँ कितना नहीं कमाता ये बात मेरे अल्लाह के बाद मुझे ही पता है, और जिसको जितना बता दिया उसको उतना पता है, मतलब समझ लो ना, घर पे जिसको जितना बताया उसको उतना ही पता है और किसी को कुछ नहीं। इनफैक्ट इनफैक्ट मेरे एम्प्लॉयर को भी उतना ही पता है जितना वो मुझे सैलरी देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक इफ आई वर्क इन बैंक, सो बैंक को उतनी इनकम मेरी पता है जितना बैंक मुझे सैलरी देता है। उसके अलावा अगर मेरी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, लाइक कोई प्रॉपर्टी है किराए पे दी हुई है, कोई इंटरेस्ट है, कहीं डिविडेंड आता है, कहीं कुछ बेच के कमा रहा हूँ, कभी कहते हैं ना गाड़ी वगैरह टाइप की चीज बेच दी उस पे कमा रहा हूँ, ये बैंक को भी नहीं पता होगा, राइट? तो मुझे मेरी इनकम पता है, और इसीलिए टैक्स अथॉरिटीज ने टैक्स कैलकुलेशन एंड सबमिशन बहुत क्लियरली, क्या चीज, टैक्स कैलकुलेशन एंड सबमिशन
ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टैक्स पेयर की। अक्सर लोग इस बात पे सोचते हैं, तो सर मैं तो अपना टैक्स पर गलत कैलकुलेट करूं, कम कैलकुलेट करूं। बात समझ आती है? मतलब मैं क्यों सही टैक्स, क्योंकि अगर मैं सही टैक्स कैलकुलेट करता हूँ वो ज्यादा बनता है, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। कम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। बात समझ आती है? इन दिस सिचुएशन द आर्ग्यूमेंट इज टैक्स मतलब आज तुम्हें गलत जमा करवाना है, कम जमा करवाना है, इनकम छुपानी है छुपा लो, हेरा फेरी करनी है कर लो, बट कल अगर ऑडिट हुआ और उसमें पकड़ा गया कि इसने टैक्स चोरी किया था, फिर ये नहीं पूछता कि मुझे क्यों निकाला। मतलब हिस्टोरिकली जो जिनको निकाला गया था उनका वन ऑफ द रीजन ये भी सामने आया था कि वो टैक्स रिटर्न उनके सही मिलते थे। यहीं तक खत्म कर देते, नो पॉलिटिकल डिस्कशन। टैक्स फाइलर के तौर पर रजिस्टर होना चाहता हूं। टैक्स फाइलर के तौर पर रजिस्टर होना मुझे खुद अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। तो टैक्स फाइलर की रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजाइड्स विद द, हाँ टैक्स अथॉरिटी की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि मैं रजिस्ट्रेशन के लिए जाऊं तो मुझे ये ना बोले तुम आज क्यों आए हो, 2 साल पहले आते, बस आ रहे ना आने दो। दे शुड वर्क ऑन दिस अप्रोच। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बोला था आपने बोला था? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो मुझे इनकी बात से अब थोड़ा सा समझ आया कि व्हाट व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स सारा का सारा टैक्स अथॉरिटी के पास जमा होता रहता है, राइट? अब क्या टैक्स अथॉरिटी जिसको जितना चाहे टैक्स बांट दे? कीप रिमेम्बर, थोड़ा प्रोसेस की बात है। अच्छा मैं थ्योरेटिकल बात करूंगा, सही है, प्रैक्टिकल पाकिस्तान का प्रैक्टिकल नहीं। हाउ दिस थिंग वर्क, ये टैक्स अथॉरिटी के पास जितनी भी वेल्थ जमा होती है लोगों की, टैक्स कलेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, वो टैक्स कलेक्शन सारी की सारी सबमिट होती है टू द गवर्नमेंट, जैसे उर्दू में बोलते हैं कौमी खजाने में पैसे जमा होते हैं। कहाँ जमा होते हैं पैसे? कौमी खजाने कर दिया जाता है, मतलब उस खजाने में छेद इतने सारे हुए हुए हैं ये भर ही नहीं पाता बेटा। इट्स लाइक वो कहते हैं ना, वो थैली या वाटर बॉटल कोई इस तरह की जिसमें सुराख हुए और उसमें पानी भरते रहो, वैसे ही वाला हाल हुआ है। खैर मैंने इसीलिए बोला मैं थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ। उस खजाने में सारे पैसे जमा होते हैं, अच्छा उस खजाने का कस्टोडियन कौन है? टैक्स अथॉरिटी। नहीं एंड एज पार्ट ऑफ बजट, एज पार्ट ऑफ बजट जब वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है तो ये बात भी बताता है कि ये जो हमारे पास पिछले साल कलेक्शन हुई थी उसमें से हम कितने पैसे किस किस प्रोविंस को देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट कोटिंग, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वेल्थ जमा हुई 1,000, 1,000 में से पंजाब को कितनी मिलेगी? हो 800 पंजाब, सिंध, केपी के एंड बलोचिस्तान, जाएगा। अच्छा वो एक वो भी है जीबी एंड एजे के, जीबी एंड एजे के लाइक गिलगित बल्तिस्तान एंड आजाद जम्मू कश्मीर, उसको भी कुछ जाना था।
समझ गए ना, मतलब मैं अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे बात नहीं कर रहा, मतलब प्रोसेस पे बात कर रहा हूँ ना। अब ये पंजाब में जो 800 गए थे अकॉर्डिंग टू यू गाइस, अब ये पंजाब की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस 800 की जो कलेक्शन आई है या आएगी इसको किस किस काम में इस्तेमाल करना है। बस मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें। सही है, आपको बिल्डिंग इस्लामाबाद है, लाहौर है, तो अच्छा। सो अगेन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अथॉरिटी का काम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वेरी क्लियरली। डिस्ट्रीब्यूशन किसका काम है? फाइनेंस मिनिस्टर का। टैक्स अथॉरिटी का काम क्या है? टैक्स कलेक्शन, और कलेक्ट करने के बाद वो पैसा किसको दे देना? फाइनेंस मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे देना। सही है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन रिजाइड्स विद हिम। नाउ ये तो अभी तक हमने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की बेस पे बात की कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। टू बी एग्जैक्ट, टू बी प्रेसाइज, सॉरी, वन थिंग आई फॉरगॉट टू डिस्कस, एक किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था, मैं मिस कर गया, अपोलॉजीज। दिस वन, गाइडेंस प्रोवाइड ऑन टैक्स लॉ, गाइडेंस प्रोवाइड ऑन टैक्स लॉ, इससे क्या समझ आता है? लीगली पैसा बचा सकते हो, इस पर गाइडेंस देना। ये गुड वन, गुड वन। सो देखें, आई एम एन अकाउंटेंट, राइट? एंड एंड लाइक आई सेड, शेयर्ड विद यू गाइज अर्लियर, मैंने अकाउंटिंग पढ़ी थी, पास की थी दिसंबर 2009 में, तो इसी से पूरा पास आउट हो गया था, तो अकाउंटिंग उससे पहले ही पास कर ली। इंटरेस्टिंग बात ये, दिसंबर 2009 से आज तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम है, चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत सारे चेंजेस आए। लाइक लेट मी टेल यू वन वन टू की चेंजेस। IFRS 15 पढ़ते अच्छा। हमने? नहीं पढ़ा था, हमने नहीं पढ़ा, हमने उसका प्रीडेसेसर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा। बिजनेस कॉम्बिनेशन, IFRS 3 पढ़ते हो, और एक और भी होता है उसके साथ IFRS, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सर। अच्छा नहीं, लीफो तो डिसअलाउ हो, इतना पुराना नहीं हूँ मैं कि मतलब लीफो चलता, लीफो डिसअलाउ हो चुका था। बट पॉइंट ये है कि IFRS में भी डेवलपमेंट्स आ रही है, IAS ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, IFRS में डेवलपमेंट्स आ रही है। पॉइंट ये है कि अगर एक बंदा पुराना अकाउंटेंट है, आज वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है, एंड ही डजेंट नो हाउ टू अप्लाई IFRS 15 इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले वो क्या करता है? अपनी अकाउंटिंग बॉडी से कंसल्ट करेगा। लाइक IMACC, IMICW, आई कैन कंसल्ट विद ACC ICAW। कोई अगर ICAP का मेंबर है, ही कैन डिस्कस विद ICAP। अगर कोई सिमा का मेंबर है, ही कैन डिस्कस विद सिमा। सो जिस अकाउंटिंग बॉडी के आप मेंबर हो उससे डिस्कस कर सकते हो। उसका काम होगा आपको एजुकेट करना। दैट्स वाई अकाउंटिंग की हर क्वालिफिकेशन में देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ CPD, एब्रीविएटेड एज कंटिन्यूस प्रोफेशनल, ताकि जो चेंजेस आ रहे हैं ना, आप इससे फैमिलियर रहो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, स्टिल नहीं समझ आया, पढ़ लिया, CPD भी ले लिया, फिर भी नहीं समझ आया, देन देयर वुड बी समवन जो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा, राइट? इसी तरह आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, हम ये यूं टैक्स में यूं रिलीफ देंगे, या ये कि आज हम नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लोगों की अप्रोच मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक नहीं है, लोगों को उस टैक्स पे एजुकेट करना किसका काम है? लोगों को उस टैक्स पे एजुकेट करना किसका काम है? टैक्स अथॉरिटी का, कि हाउ दिस टैक्स वुड वर्क, ये कैलकुलेट कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारी चीजें किसके एम्बिट में फॉल करती है? टैक्स अथॉरिटी के एम्बिट में। सो गाइडेंस प्रोवाइड, लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ समझ नहीं आ रहा, सो देर इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी,
नाम सुने। तो सर कमेटी का काम क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर एडवाइस करना। इसी तरह टैक्स लॉ की गाइडेंस देना किसका काम है? टैक्स रिलीजियस कोई काम बात पॉइंट ना समझ में आ रहा हो, किसका काम है गाइडेंस प्रोवाइड करना? रिलीजियस एस्पेक्ट पे मौलवी साहब का काम है। खैर, यूके टैक्स गवर्निंग बॉडी एचएमआरसी, एचएमआरसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला टैक्स कलेक्शन। डिड वी डिस्कस दिस? अगर किसी ने गलती से ज्यादा टैक्स दे दिया है तो उसको पेमेंट करना भी टैक्स अथॉरिटी का काम, राइट? सेकंड, टैक्स ऑडिट करना, फ्रॉड डिटेक्शन, हमारी बात हुई। मेंटेनिंग टैक्स रिकॉर्ड्स, ये बात समझ आती है? यस व्हाट डज इट मीन मेंटेनिंग टैक्स रिकॉर्ड? सर, उसको अपने पास रखना कि हाँ इसने कितना टैक्स जमा करवाया, कितना नहीं करवाया। आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरियाज ऑफ टैक्स जनरेशन, डिड वी डिस्कस दिस? यस नो? आई बिलीव यस, बिकॉज यहाँ जब हम एक बात कर रहे थे ना कि फाइनेंशियल पॉलिसी पे, इन्वायरमेंट पे एडवाइस करना कि यहाँ से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो सकता है, एक्सेप्ट जहाँ पे सिगरेट की भी बात हुई, तो दैट वॉज टैक्स अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग क्लैरिटी ऑन टैक्सेशन लॉस, लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। एजुकेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट देयर टैक्स पेइंग ड्यूटीज। लोगों जिस तरह हमारे यहाँ आप लोगों ने, आई डोंट नो बट शायद आजकल सुनो, हाईवे पुलिस के बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, मतलब मैसेजेस का मतलब ये नहीं व्हाट्सएप पे डायरेक्ट वन ऑन वन आ रहे हैं, तो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि जब आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो डूज क्या होने चाहिए, डोंट्स क्या होने चाहिए, राइट? इस तरह की एजुकेशन हर अथॉरिटी अपने एरिया से रिलेटेड करती रहती है। इसी तरह से टैक्स अथॉरिटीज भी, फिंगर्स क्रॉस्ड, टैक्स अथॉरिटीज भी लोगों को देयर टैक्स पेइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अभी वो पिछले दिनों के इलेक्ट्रिक के साहब का एक मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था कहीं, जिसपे उन्होंने बोला था लोगों ने जो है वो हमारे वर्कर्स गए बिजली का बिल कलेक्ट करने के लिए, उनको मारा पीटा, नहीं मारना चाहिए उन लोगों को, वो कोई आपके साथ चोरी थोड़ी कर रहे थे, लोगों का ख्याल करना चाहिए, ऐसी बातें कर रहे थे। ही वॉज एजुकेट टू पे द बिल्स ऑन हिज बिहाफ। इसी तरह से वी शुड एजुकेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट देयर टैक्स पेइंग ड्यूटी। टैक्स पे करो, अच्छी बात है, मुल्क के लिए अच्छा है, वगैरह वगैरह। वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी पेइंग चाइल्ड बेनिफिट। सो वॉट इज पेइंग चाइल्ड बेनिफिट? नॉट इन पाकिस्तान बट यू हैव हर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड के यूके, यूएस, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया इस टाइप के कंट्रीज में बच्चों को पालने, चिल्ड्रन अलाउंस टाइप की चीज मिलती है। सो वो चिल्ड्रन अलाउंस कौन दे रहा होता है? इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत लेट हो गई, बहुत ज्यादा लेट हो गए हम सब। खैर, अब एनीथिंग टू आस्क फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी? लेट हो गए, इनडायरेक्टली तो गाइड का काम होता ही रहता है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होगा थोड़ा उसके लिए अपना रिस्क होता है, तो उसका नंबर भी लगा काम जा। टैक्स ऑडिट, तो मेरे मेरे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे शेयर हो रहे होते हैं, मेरे बैंक में कितने पैसे रखे हुए पता चल सकता है? हाँ चल सकता है, दे विल चेक इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं, टैक्स आया नहीं आया, नहीं आया जरा बुलाओ इनको। सो अ गुड क्वेश्चन बाय द वे, अगर मैं कभी कोई टैक्स जमा ही ना करवाऊं, ऑन अ सीरियस नोट, मैं कभी टैक्स रिटर्न फाइल ही ना करूं, टैक्स वाले मुझ तक पहुंचेंगे कैसे? अ डिफरेंट थिंग, बट
गवर्नमेंट मुझ तक पहुंचेगी कैसे ऑडिट के लिए? देखो ऑडिट के लिए तो मेरा रिकॉर्ड होगा तो वो मेरे पास आएंगे ना ऑडिट के लिए। हाँ अच्छा, देर इज अ ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑन बैंक्स एज वेल, तो दे कैन नॉट डिस्क्लोज बाय डिफॉल्ट के किसके अकाउंट में कितने पैसे, या पूरी लिस्ट नहीं मांग सकते वो, राइट? गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि मुझे इस पे शक है, इसके मुझे डिटेल्स दे दो क्योंकि मुझे लगता है कि इसने कोई हेरा फेरी की है। हाँ, इसका नाम लेके मांगेंगे, मेरे पास पैसे हुए, आई विल डिस्क्लोज इट, बट ऐसे नहीं, इस क्लास में जितने भी लोग हैं सबके अकाउंट की डिटेल्स दे दो। द आंसर इज नो, दे बैंक्स एंड ऑल सच इंस्टीट्यूशंस हैव अ ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑल देम हैव अ ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, पकड़ेंगे कैसे? स्टिल द क्वेश्चन, नहीं पहुंच सकेंगे। एग्रीड, मैं बोलता हूँ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा मैं। सो लेट मी टेल यू, वो कहते हैं ना उर्दू में मुहावरे में एक जुमला बोलते हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो छुरी के नीचे आएगी। एंड एंड दिस इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द स्टोरी विच वन माई स्टूडेंट जो लाइक कराची का रहने वाला, यूके गया 8-10 साल जॉब की, और एक मसला हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान आया। एंड ही वॉज माई स्टूडेंट पोस्ट कमिंग बैक टू पाकिस्तान, ही वॉज डूइंग ACCA, एंड मैं उस वक्त कुछ, आज से 10 साल पुरानी बात है तो 10 साल छोटा था आज से, जो भी एज थी वो उस वक्त 35-40 का था एटलीस्ट। सो कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि वो मेरी बात हुई उससे, ही वॉज लाइक सर मैं यूके में था, ही वॉज डूइंग हिज MBA, हुआ यूके चला गया, जॉब स्टार्ट की, फिर पाकिस्तान आया, शादी हुई, बेगम को लेके चला गया, फिर सन जब मेरी बात हुई थी उस वक्त तक तो एक ही था, अब आज पता नहीं, इट्स 10 ईयर्स, अभी तक तो दोबारा बात ही नहीं हुई। तो ही वॉज लाइक सर मेरा एक बेटा हुआ बाय बॉर्न बॉर्न इन यूके, गुड। तो मैंने पूछा वापस क्यों आ गए? कहने लगा सर बेटा हुआ, मैं यूके में था उस वक्त, मेरे 5-6 साल हो गए थे, एंड ही यूज टू ड्राइव द कैब ओवर देयर। सही है? तो उसने बोला सर मैं कैब चलाता था, एंड आई वॉज लाइक फाइन, इनकम वॉज फाइन, घर पे भी पैसे वैसे भेजता रहता था, ऑल दैट थिंग। मतलब वापस क्यों आ गए सर? पेरेंट्स का रीजन था, अक्सर लोगों का होता है पेरेंट्स का रीजन था। कह रहे नहीं सर दूसरा मसला हो गया। मतलब क्या हुआ था? कह रहे सर वो पता नहीं मैंने किसी पेरेंट में से किसी को यूके बुलाने के लिए अप्लाई किया विदाउट नोइंग द ओवरऑल प्रोसेस, उस पे कहीं किसी जगह पे आके ये आया कि आप अपनी इनकम की एंडोर्समेंट लेके आए फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटी। नहीं, उन्होंने मुझसे मेरी इनकम पूछी, मैंने इनकम बताई मेरी इतनी इनकम है, उन्होंने वो क्रॉस चेक करने के लिए भेज दी टू द टैक्स अथॉरिटी। सो इफ यू आस्क माई इनकम आई सेज दिस इज एक्स अमाउंट, और वो चेक होने के लिए चली जाए टू टैक्स अथॉरिटी। अच्छा, जब वो टैक्स अथॉरिटी चेक होने के लिए गई तो उसका फीडबैक जो जिस 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 प्लेटफॉर्म पे उसने वीजा अप्लाई किया था ना, उनके पास ये आया कि टैक्स अथॉरिटी वाले तो कह रहे हैं आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उनके पास, आर यू अ टैक्स पेयर? उसने बोला नो आई डू नॉट। अच्छा, वो तो बात हो गई, वीजा रिजेक्ट हो गया, टैक्स पेयर नहीं है वो, पता नहीं उसके अजीब से दिल में ख्याल आ गया तो उस बात कुछ गलत हो गई। उसके बाद फिर उसके पास टैक्स अथॉरिटी की तरफ से नोटिस आया। कब आया नोटिस? कब? इम्पोर्टेंट पॉइंट, कब आया नोटिस? वो खुद गया था? नो, कोई एक गवर्नमेंट लेवल पे काम फंसा था, उन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए भेज दिया वहां पे, वहां से तो हो गया नहीं है ये, बट उन्होंने एक नोट कर लिया, अच्छा इसकी इतनी इनकम है हमारे पास क्यों नहीं है ये। फिर उन्होंने इसको नोटिस भेजा जो इसका रजिस्टर्ड एड्रेस वगैरह था, नोटिस में लिखा ये था सर सुना है आप इतने पैसे कमाते हैं, पता चला है हम टैक्स
टेक्स्ट वेक्स कभी नहीं दिया आपने, जरा आए तो हाजिरी तो लगाए हमारे पास। व्हेन ही रिसीव दैट नोटिस, ही वाज लाइक, सर जब मुझे वो नोटिस मिला तो मुझे फीलिंग तो आना शुरू हो गई थी कि उसके साथ कुछ गलत हो गया। देन आई कंसल्टेड माई लॉयर जो वहाँ पे होता है ना, इस तरह के लोगों को है सपोर्ट करने के, उससे पूछा बात हुई कि भाई क्या करना है। कहने लगा तुम्हारी इनकम कितनी रही है, तो उसने एक एवरेज अमाउंट बताया। कह रहे कितने साल से हो, कह रहे 5-6 साल हो गए। टैक्स कभी जमा करे, कह रहे नहीं कभी भी नहीं करवाया। तो कह रहे भाई दो में से अब एक काम है, या तो 5 साल, लेट सपोज 5 साल का टैक्स इतनी अमाउंट बनती है, नहीं जमा करवाने की इतनी पेनल्टी, सम ऑफ 5 ईयर्स प्लस पेनल्टीज एक अमाउंट कैलकुलेट हुआ, या तो इतने पैसे दो, अच्छा या ऑप्शन टू बैक टू पवेलियन पाकिस्तान। तो मैंने पूछा कितनी अमाउंट बनी थी ऑन दैट टाइम, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2011-12। ही वॉज लाइक, सर 10-11 हज़ार पाउंड बन रही थी। तो कह रहे सर मेरी सेविंग्स क्या, मैं थोड़ा सा जो है ना डेट में आ जाता, तो आई डिसाइडेड टू कम बैक टू पाकिस्तान। तो बस अब पाकिस्तान वापस आ गए। सो जो आपका क्वेश्चन था ना कि पकड़ा कैसे जाएगा, देखो चोरी, और चोरी में दो चश्मी है लगा दो, जब तक छुपे हुए ना छुपे हुए कोई मसला नहीं है, बट प्रॉब्लम ही उस दिन आती है जब ये दोनों चीज़ें पकड़ी जाए। सो टैक्स ना पे करना इस चोरी, फाइल ना करना इस चोरी, जब तक बचे हुए हो बचे हुए हो दैट्स फाइन, बट जिस दिन पकड़े गए। तो एक स्टोरी तो सुना दी मैंने। टैक्स अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद टू कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजीज, वन ऑफ द कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस, अनदर वन कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज इवेजन। विदाउट विदाउट लुकिंग इन टू डिटेल्स अवॉइडेंस इवेजन में क्या है क्या नहीं, इफ आई आस्क योर ओपिनियन इन जनरल, अवॉइडेंस क्या होता है, इवेजन क्या होता है इन जनरल? ओके आई हेयर यू, और कोई? अवॉइडेंस क्या होता है, इवेजन क्या होता है? इवेजन होता है तो अवॉइडेंस में खाते नहीं है, पीते हैं, वो खाना नहीं है। लीगल वाला खाना इज कम खाना। आई हेयर यू एंड एनीवन, अवॉइडेंस इवेजन, अवॉइडेंस इवेजन डिफरेंस एनीवन? बस अच्छा वाह वाह, लगना ही नहीं और लग के माफ हो जाए। खैर करेक्ट, सो ऑल ऑल दीज टू थ्री फीडबैक्स आर करेक्ट, सो लेट मी शेयर माय थॉट्स। अवॉइडेंस इज, यस ऑल ऑफ यू आर राइट, सब लोगों ने एक ही बात की, कानून के दायरे में रहते हुए टैक्स सेफ करना इज कॉल्ड एज टैक्स अवॉइडेंस, जिसको तमीज की लैंग्वेज में हम टैक्स प्लानिंग भी बोलते हैं। सो टैक्स प्लानिंग बोलो, टैक्स अवॉइडेंस बोलो, क्या चीज है? इट इज मिनिमाइजिंग टैक्स लाइबिलिटी बाय अप्लाइंग फेवरेबल ऑप्शन। इट्स नॉट एन इलीगल एक्टिविटी, मतलब ये गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी थैंक तो इसका मतलब यू। कानूनी। तो अलाउ मी टू राइट हियर, इट इज लीगल एक्टिविटी एंड डज नॉट एंटेल मिसलीडिंग HMRC, मतलब इस पे कोई HMRC कोई पकड़ के पेनल्टी पिटाई कुछ नहीं करेगी। बट टैक्स एवेजन इज इवेडिंग द टैक्स बाय इलीगल मीन, टैक्स चोरी करना, एंड चोरी करना इज एन इलीगल एक्टिविटी। और अगर चोरी की बचे रहे तो सही है, बट अगर पकड़ेगा इट कैरीज अ रिस्क ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विच इंक्लूड्स फाइन्स एंड और इम्प्रिजनमेंट एंड और
दोनों चीजें भी हो सकती हैं और कोई एक चीज भी हो सकती है। अवॉइडेंस एवेजन समझ आता है? अवॉइडेंस गैर कानूनी नहीं है, मतलब कानूनी है। एवेजन इज, बाय। अच्छा चोरी करेंगे कैसे ऑन अ सीरियस नोट, लाइक चोरी करेंगे। अच्छा पूछने, हम हमें बताने की जरूरत नहीं है चोरी करेंगे क्या, बट मेरा शायद सवाल ये कि किस किस चीज को टैक्स एवेजन बोलेंगे, शायद मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, इनकम शो ना करना। एक मिनट, सॉरी, इनकम नॉट डिस्क्लोजिंग इनकम इज चोरी, मतलब तुम कमाते हो और बता नहीं रहे, नॉट डिस्क्लोजिंग इनकम इज चोरी। एग्रीड। और प्रॉफिट को कम करना, एक्सपेंसेस को ओवर स्टेट, या अदर वे अराउंड, अलाउ मी टू राइट एज इनकम को अंडर स्टेट। ये दोनों चीजें एवेजन, आई एग्री। और झूठ बोल, मतलब सॉरी, इनकम कमाई डिस्क्लोज नहीं किया, एवेजन। एक्सपेंसेस को ओवर स्टेट किया, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1,000 का एक्सपेंस है, 10,000 लिखता हूं, ओवर स्टेट। इनकम 10,000 है, 1,000 की लिखी, अंडर स्टेट। एग्री। और एवेजन में क्या क्या चीजें आएंगी? अच्छा अलाउ मी टू से, नॉट डिस्क्लोजिंग इनकम, कैन आई से इट एज झूठ बोलना? कुछ बोलना ही? अच्छा बी ऑन इट, बी ऑन इट, कुछ नहीं बोला, कैन आई से इट टू बी झूठ बोलना? अच्छा टू टेक अवे, इसका मतलब झूठ बोलना तो गुनाह है, जहां जहां बोलना चाहिए वहां ना बोलना भी गुनाह है। एग्रीड। माय थर्ड क्वेश्चन, क्या आधा सच बताना भी गुनाह है? आई रिपीट, क्या आधा सच बताना भी गुनाह है? यस नो? नहीं, आधा सच बताना, आधा सच, इवेजन, यस नो? चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ आधे सच पे, देन यू गाइस डिसाइड कि ये इवेजन है या अवॉइडेंस है। एक दफा एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कंडक्ट हुई, और उसमें लोगों से पूछा गया, एक स्टेटमेंट था उसकी ट्रांसलेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग। द स्टेटमेंट वॉज लाइक आई लव यू, सिंपल। अच्छा इस स्टेटमेंट को जब फीमेल साइड पे चेक किया गया, तो फीमेल्स इंटरप्रिटेशन वर, मैं आई लव, नहीं सॉरी, आई लव यू टू, नॉट आई लव यू, द स्टेटमेंट वॉज आई लव यू टू, इसका मतलब पूछा गया। तो जब इसका मतलब फीमेल से पूछा गया ना, तो उसका मतलब जो लड़कियों की अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, सो दैट वॉज देयर फीडबैक। और जब लड़कों से पूछा गया ना, तो लड़कों की इंटरप्रिटेशन ये थी कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। सो सही है, आधा सच, मीनू मैं तुमसे भी। तो एक है नॉट डिस्क्लोजिंग इनकम, एंड इट इज डिस्क्लोजिंग इनकम्प्लीट इनकम। मतलब मेरी तीन सोर्सेज ऑफ इनकम है, तीन में से एक या दो सोर्स बताऊं, एक बताऊं ही नहीं, आधा सच है ना, स्टिल एवेजन। सही है। सो तीन कैटेगरीज हैं। झूठ इटसेल्फ तो झूठ है, जहां सच बोलना चाहिए वहां ना बोलना भी गुनाह है, और आधा सच भी गुनाह है। द टर्म टैक्स एवेजन समराइजेज एनी एक्शन टेकन टू अवॉइड और रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय इलीगल मैनर, जहां कहीं। अच्छा चलो एक मिनट, इसको कंप्लीट करें। टैक्स अवॉइडेंस,
टैक्स अवॉइडेंस कैसे होती है? सो अवॉइडेंस इज, समझना, आप लॉ को स्टडी करते हो, स्टडी करने के बाद उसमें लूप होल्स आइडेंटिफाई करते हो और उन लूप होल्स को यूज करके टैक्स सेव करते हो। दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइडेंस इज नॉट इलीगल, राइट? नाउ हाउ द अवॉइडेंस थिंग वर्क्स। सो अवॉइडेंस के लिए मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला आप पूरे उस लॉ को समझते हो। सिंस टुडे बीइंग योर फर्स्ट क्लास ऑफ F6, यू डू नॉट अंडरस्टैंड द टैक्स लॉ। इस वजह से मैं इस पे एट द मोमेंट कोई बात नहीं कर रहा, बट मैं आपको समझाने के लिए एज एन एग्जाम्पल अकाउंटिंग की एक एग्जाम्पल जरूर दे सकता हूँ। सब लोगों ने F7 नहीं तो F3 तो पढ़ा हुआ है, राइट? कोई ऐसा जिसने F3 भी ना पढ़ा? गुड हो गया। नहीं, होते हैं कुछ वैसे ऐसे चैंपियन। अच्छा हाँ, F7/F3 विद रिस्पेक्ट टू IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एवरी एसेट हैविंग लिमिटेड यूजफुल लाइफ मस्ट बी डेप्रिशिएटेड, राइट? एवरी एसेट हैविंग लिमिटेड लाइफ मस्ट बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स। क्या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन IS-16 बताता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस टेबल, लिमिटेड यूजफुल लाइफ, यस नो? यस। शुड इट बी डेप्रिशिएटेड? नाउ टू क्वेश्चन, व्हाट शुड बी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? इकोनॉमिक लकड़ी टेबल, नॉट लड़की। सो इसकी यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सब बातें अपनी जगह। इज देयर एनी मेथड डिफाइंड बाय IS-16 हाउ टू डेप्रिशिएट इट? व्हाट शुड बी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? यस नो? नो। अच्छा चलो लेट्स से स्ट्रेट टाइम, कितने साल पे डेप्रिशिएट करना है? 5 साल, 10 साल? इज देयर एनीथिंग डिफाइंड बाय IS-16? नो। इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होनी चाहिए डिफाइंड बाय IS-16? कुछ ऐसा डिफाइन कर देता जितने की खरीदी उसका 10% वुड बी योर स्क्रैप वैल्यू? नो। अगेन टेल आई रिकॉल, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में दो तीन चीजें ही चाहिए। लाइक कॉस्ट इज फॉर श्योर कितने का खरीदा, उसमें कोई डिबेट नहीं है। डेप्रिसिएशन के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले मेथड, मेरी मर्जी। मैं जिस हिसाब से इसके बेनिफिट्स बोलूं कि कंज्यूम होंगे, दैट वुड बी मेथड, मेरी मर्जी, मेरी टेबल, मेरी मर्जी, यू नो। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी? 5 साल, 10 साल? कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा। स्क्रैप वैल्यू? मैं डिसाइड करूंगा। जब सारी चीजें मैं डिसाइड करूंगा तो डेप्रिसिएशन मेरी मर्जी का आएगा या IS की मर्जी का आएगा? सही है। इज इट एवेजन? सो अगर मैं बोलूं यार ये टेबल 10 साल चलेगी, ऐसे कि 20 साल चल जाएगी, और 25 भी चल सकती है ऐसे की, सो इज इट अवॉइडेंस और इवेजन? मैं क्या इलीगल काम कर रहा हूँ? नो। आई एम एडहियरिंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS-16। एसेट है? हाँ है। लिमिटेड यूजफुल लाइफ? हाँ है। क्या डेप्रिशिएट कर रहा हूँ? कर रहा हूं। जहां लूप होल था, लूप होल क्या था? मेथड डिफाइन नहीं था, स्क्रैप वैल्यू डिफाइन नहीं थी, लाइफ डिफाइन नहीं थी। जहां चीजें साइलेंट थी वहां मैं अपनी फेवरेबल चीजें यूज करना शुरू कर दूं, दैट इज अवॉइडेड। अच्छा एक आखिरी बात बिफोर द बेल, अजीब सी मे बी, अवॉइडेंस इज नॉट इलीगल, वी एग्री? अ क्वेश्चन इज, अच्छा ये शायद पेपर से रिलेटेड नहीं है, जनरल बात कर रही, कैन इट बी इलीगल? सॉरी 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 सॉरी, कैन इट बी अनएथिकल? अच्छा कैन इट बी अनएथिकल? मतलब एक है कानून में किसी चीज का मना इज अ डिफरेंट थिंग। कानून तो इजाजत देता है, बट जो एक इंसान का अपना सही गलत एथिक्स है, तमीज है, वो इजाजत ना देती है।
तमीज इजाजत ना देती हो, राइट? ऐसा हो सकता है? सर हो सकता है। आप लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, फिर उसके बाद जरा इसको कंप्लीट करें। सो इट्स 4:22, प्लीज घड़ी देख के जाना, 4:40 बैक इन द क्लास ऑल ऑफ यू। बहुत है। सॉरी टू सुमामा, आई मिस योर क्वेश्चन, अपॉलॉजी सुमामा। आई सेड दिस दैट द रिकमेंडेड एग्जाम किट इज कैपलान, एंड आई डू नॉट एडवाइज यू गाइज टू फॉलो द प्रीवियस एग्जाम किट। सो इफ पॉसिबल डू यूज द अपडेटेड एग्जाम किट, बट इफ यू ऑलरेडी हैव, वी कैन हैव डिस्कशन ऑन दिस कि उसको यूज करना है नहीं करना। टू महद, यस पीडीएफ मिल जाएगी, बट प्रोबेबली सिंस इट्स द फर्स्ट क्लास तो 2-3-4 दिन लग जाए। लाइक आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा, गूगल ड्राइव क्रिएट होगी, फिर उसमें अपलोड कर देंगे। मैं ये नहीं कमिट करूंगा कि आज मिल जाएगा, बट दिस इज अ प्रॉमिस, फॉर श्योर मिल जाएगा। डन हो गया। और टू महर, द हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स इज अवेलेबल विद द फोटोकॉपियर, यू कैन टेक इट, यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द फोटोकॉपियर। कैसे हो आप? आप देखो, मैंने एक चीज बहुत क्लियरली बात की कि अवॉइडेंस कैन बी अनएथिकल बट इजी। तो जो बात आप कह रहे हो ना, साउंड्स को नहीं आना पड़ता, बट नॉट नॉट इन, बट इट इज गुड। हाँ बहुत शोर हो रहा है।
अगेन एज एन इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी डिस्कशन, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस फर्दर दो सब कैटेगरीज फर्दर दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। वन टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड एज इनकम बेस्ड डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड वन इज कॉल्ड, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसी भी ऐसे टैक्स को बोला जाता है जो डायरेक्टली तुम्हारी कमाई पे लग रहा है। आई रिपीट, डायरेक्ट टैक्स किसी भी ऐसे टैक्स को बोला जाता है जो डायरेक्टली तुम्हारी कमाई, इनकम टाइप की चीज पे लग रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो तुम्हारी कमाई पे नहीं लगता, जो तुम्हारी कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस पे लगता हो। आई रिपीट, डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स को बोला जाता है जो डायरेक्टली तुम्हारी कमाई, जिसकी तुम्हारी कमाई पे नजर हो ना, जिस टैक्स की, कितना कमाते हो कितना नहीं कमाते हो, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसको तुम्हारी कमाई से कोई लेना देना नहीं है, इनकी कोई गंदी नजर तुम्हारी कमाई पे नहीं होती। इनकी नजर ऑल्दो इस चीज पे जरूर होती है कि तुम्हारी कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस क्या है क्या नहीं है। जितनी ज्यादा कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस होगी उतना ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स, जितनी कम कंजम्पशन ऑफ गुड सर्विस होगी उतना कम टैक्स। अगेन लाइक आई सेड, इनडायरेक्ट टैक्स वालों को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है तुम कितना कमाते हो कितना नहीं कमाते। छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, सेलफोन में कार्ड रिचार्ज करना, सेलफोन में कार्ड रिचार्ज करना टैक्स लगता है। अच्छा, अगर मैं सेलफोन का कार्ड जो रिचार्ज कर रहा हूँ वो अपने कमाए हुए पैसों से रिचार्ज कर रहा हूँ, कमाए हुए मतलब जब कमाया होगा उस पर डायरेक्ट टैक्स दिया होगा, कमाए हुए पैसों से रिचार्ज कर, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। सर्विस तो ले रहे ना, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, एग्रीड। अच्छा, अगर मैं पैसे कमाऊं नहीं, मैं अपनी मदर फादर बड़े बहन भाई से पैसे लेके कार्ड रिचार्ज करूं, अच्छा कोई पैसे दे ही नहीं रहा था, पैसे चोरी करके कार्ड रिचार्ज करूं तब भी लगेगा। अच्छा, चोरी ना करूं, कहीं से भीख मांग के कार्ड रिचार्ज करूं, रिमेम्बर भीख मांगने से मेरी मुराद थी, वो आते हैं ना कभी किसी के पास आयशा अनम और इस तरह के मैसेज हॉस्पिटल में, प्लीज सबा, यस सबा, किसी का नाम हो प्लीज डोंट माइंड, प्लीज अगर गलती से आ जाए, आई रियली डोंट नो योर नेम्स एट द मोमेंट, बट सबा आयशा वगैरह अनम वगैरह वगैरह हॉस्पिटल, ओके ओके तो ऐसी कभी सबा मैवेश लाइक ही सेड या आयशा किसी को कार्ड रिचार्ज करवा दे तो उस पर भी टैक्स लगता है गरीब बेचारी पे। आंसर इज यस। सो ये वो जालिम लोग हैं जिनको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि कौन क्या कमाता है कैसे कमाता है किधर से कमाता है। इन लोगों को बस एक चीज पता है, कंजम्पशन ऑफ गुड सर्विस हो रही है टैक्स लगेगा, दैट्स इट। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स मैंने बताया ये वो लोग हैं जिनकी नजर तुम्हारी इनकम पे होती है, ज्यादा कमाओगे ज्यादा टैक्स, कम कमाओगे कम टैक्स। इनकम बेस कैन बी, अच्छा इनकम और कैपिटल बेस, इनकम और कैपिटल बेस में क्या डिफरेंस है। इनकम का मतलब है यू कैन से
रेवेन्यू इनकम, एंड कैपिटल बेस का मतलब है कैपिटल इनकम। आई डोंट नो यू गाइस अंडरस्टैंड रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम? डे टू डे बिजनेस में जो इनकम आ रही है रेवेन्यू इनकम, और कैपिटल इनकम वन ऑफ ट्रांजेक्शन, कोई प्रॉपर्टी बेच दी, किसी एसेट को बेच दिया। नॉन आसान लफ्जों में अलाउ मी टू से, कौन सा मैं तस्वीर आवाज आ रही थी, तस्वीर नहीं आ रही। यू आर सेट, रिपीट इट अगेन, यू आर राइट। परचेज नहीं, गुड। नॉन करंट एसेट सेल करने पे जो आपके पास इनकम टाइप की चीज आएगी, दैट इज योर कैपिटल इनकम, राइट। सो रेवेन्यू इनकम और इनकम बेस में कौन, सो यू अंडरस्टैंड दिस ब्रॉड हेडर? इनकम बेस समझ आता है, कैपिटल बेस समझ आता है, इनडायरेक्ट टैक्स समझ आता है। नाउ ये चीजें और डिटेल्ड में इस पेज पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं, लेट मी डिस्कस। इनकम बेस टैक्स, इनकम बेस टैक्स की दो एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करती हैं इन टीएक्स पेपर। वन इज कॉल्ड इनकम टैक्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन टैक्स। मतलब इनकम टैक्स जो नॉर्मल मेरे आपके जैसा आम इंसान मतलब मैंगो मैन, जो अपनी अर्निंग्स के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज इनकम टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स पे करती है, दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स। सिंस एट द स्टार्ट व्हाइल वी हैव अ डिस्कशन, यू गाइस सेड सबने F7, इफ नॉट F3 पढ़ा हुआ है। F3 में जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं, कंपनी की P&L प्रिपेयर करते हैं, तो कंपनी की P&L में सेल्स, देन कॉग्स, यू नो कॉग्स, कॉग्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, गुड, जीपी, जीपी के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पीबीआईटी, पीबीआईटी के बाद फाइनेंस कॉस्ट स्लैश इंटरेस्ट एक्सपेंस, पीबीटी, पीबीटी के बाद टैक्स एक्सपेंस, देन पीएटी। सो ये वो टैक्स एक्सपेंस है। F7 में आपको ये टैक्स एक्सपेंस की अमाउंट गिवेन होती थी। हियर इन टीएक्स यू आर सपोज टू कैलकुलेट कैपिटल बेस्ड टैक्स। कैपिटल बेस्ड टैक्स का मतलब है जो आपके कैपिटल इनकम को देखते हुए लगेगा, राइट। कैपिटल बेस्ड टैक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स, सेकेंड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस टैक्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स, सेकेंड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स कब लगता है? जब आप सेल, ट्रांसफर या गिफ्ट करो नॉन करेंट एसेट, लाइक शी सेड नॉन करेंट एसेट के बेचने पे जो गेन हो रहा है, दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स। तो बेचना, यस राइट, बट सिर्फ बेचना नहीं है, बेचने के अलावा ट्रांसफर करना। ट्रांसफर मतलब गिफ्ट फिर गिफ्ट तो अलग है, ट्रांसफर गिफ्ट का मतलब है एक्सचेंज करना, सही है। तो दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स। मैं बहुत अभी हाई लेवल सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी समझ रहा हूं। इनहेरिटेंस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स नाम से क्या लगता है, क्या होगा? जायदाद, विरासत, मरने मराने की बातें होंगी, जायदाद का बंटवारा, फड्डे वाला एरिया जहाँ भाई भाई और बहन बहन की नहीं रहती। इनहेरिटेंस टैक्स, इट इज एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ नॉन करेंट एसेट एट टाइम ऑफ डेथ, राइट। इनहेरिटेंस टैक्स एंड गुड्स और सर्विसेज, जो हम बात कर रहे थे कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट इज डिवाइड अपॉन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मशहूर जमाना वैल्यू एडेड टैक्स F1 में पड़ा था, सॉरी FA1 में पड़ा था, FA2 में नहीं था, आई गेस, आई कुड बी रॉन्ग। FA1 में था, F3 में था। सो FA1 और F3 में आप लोगों ने वैट पढ़ा होगा, बट अगेन FA1 और F3 का पर्सपेक्टिव वॉज केस की अकाउंटिंग क्या होनी है। हेयर द पर्सपेक्टिव वुड नॉट बी अकाउंटिंग क्या होनी है, हेयर द पर्सपेक्टिव वुड बी अमाउंट ऑफ टैक्स क्या हो, राइट। ऑनेस्टली आई रियली लव दिस वन स्लाइड, आई रियली लव दिस वन स्लाइड,
रीजन बीइंग इस स्लाइड में आपके पूरे सिलेबस के सेक्शंस कैप्चर हो रहे हैं। फोकस ऑन माय वर्ड्स, सिलेबस के सेक्शंस, चैप्टर्स नहीं बोला मैंने, सेक्शंस कैप्चर हो रहे हैं। नाउ आई कैन से दीज आर फाइव सेक्शंस ऑफ योर टीएक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स एंड द लास्ट वन वैल्यू एडेड टैक्स। सो दीज आर द फाइव सेक्शंस जो कि मैंने इस पूरी स्लाइड के ऊपर एक छोटा सा माइंड मैप बना के आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये टाइप ऑफ टैक्सेस से किस तरह से ड्राइव हो रहा है। नाउ आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन ऑन दीज लाइन, अब मैं आता हूँ अपने पेपर फॉर्मेट के ऊपर। पेपर फॉर्मेट में एक चीज नोट करना, सेक्शन बी, रिमेंबर थ्री सिनेरियोस। एक सिनेरियो कहां से बिलोंग करेगा? कैपिटल गेन्स टैक्स, सीजीटी एब्रीवेटेड एज कैपिटल गेन्स टैक्स। एक सेक्शन बिलोंग करेगा, एक सेक्शन, एक क्वेश्चन बिलोंग करेगा, वेयर एज इफ आई लुक इन टू सेक्शन सी, एक क्वेश्चन बिलोंग करता है फ्रॉम, एक क्वेश्चन बिलोंग करता है। सो यू कैन से एंड आई वुड नॉट बी रॉन्ग इन सेइंग दिस कि जो आपके इनकम बेस्ड डायरेक्ट टैक्सेस हैं दे आर पार्ट ऑफ सेक्शन सी। फिर से बोलूं, जो आपके इनकम बेस्ड डायरेक्ट टैक्सेस हैं दे आर पार्ट ऑफ सेक्शन सी, और जो आपके कैपिटल और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं दे आर पार्ट ऑफ, यहां तक डन। आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दैट, एक क्वेश्चन आप देख रहे हो 10 मार्क्स का, टैक्स प्लानिंग। नाउ व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वन ऑफ माई फेवरेट एरिया ऑफ टीएक्स। इट इज समथिंग जो बिल्कुल आप अपनी लास्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। नाउ व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? सो टैक्स प्लानिंग इज बेसिकली कि यहाँ पे हमारी एक बात हुई थी कि टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट इलीगल, राइट? इट इज लीगल। तो टैक्स बचाना कैसे, प्लान आउट करते कैसे, इस एरिया में वो वाली बातें करेंगे, सही है? एंड लाइक आई सेड दैट टाइम ऑफ टैक्स अवॉइडेंस के टैक्स लॉ को समझ के फिर लूप होल्स आइडेंटिफाई करनी। समझो, जब समझोगे जब ही लूप होल्स का पता चलेगा, और समझना डे वन में नहीं होगा, समझोगे कब? आखिर तक समझते ही रहोगे। दैट्स व्हाई आई सेड के टैक्स प्लानिंग वुड बी कवर्ड इन योर लास्ट क्लास। वेयरएज ये जो एमसीक्यूज है, ये जो ओटीक्यूज है, दे कैन बी फ्रॉम एनी एरिया। सो लेट्स कंक्लूड इट। सेक्शन बी डिफाइंड है कहां से आना है, सेक्शन सी ये प्लानिंग, पता नहीं कौन सी प्लानिंग पे बात हो, ये कॉर्पोरेशन टैक्स भी हो सकती है, ये इनकम टैक्स भी हो सकती है, ये कैपिटल गेन्स टैक्स भी हो सकता है, ये इनहेरिटेंस टैक्स भी हो सकता है, ये वैट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बट आउट ऑफ 40, 30 मार्क्स इन सेक्शन सी बिलोंग्स टू डायरेक्ट इनकम टैक्सेस, 10 मार्क्स का पता नहीं। सेक्शन बी बिलोंग्स टू दीज थ्री एरियाज, और सेक्शन ए सब जगह से होगा। सो सेक्शन ए में ये भाई साहब भी नजर आएंगे, ये 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 भी होगा, कहीं से कुछ भी हो सकता है। एनालिसिस एज एन सो इंटरेस्टिंग बात ये है, F6 में इंटरप्रिटेशन नहीं है, थ्योरी है। एक सिचुएशन बताई जाएगी और उसमें बोलेगा बताओ टैक्स किस तरह बचा सकते हैं। इट वुड बी कैलकुलेटिव एज वेल एंड इट कैन बी थियोरेटिकल एज वेल। हाँ मतलब हो सकता है टाइप करना हो वर्ड पे, मतलब वही टाइप करना हो, जरूरी नहीं है। सो लाइक आई सेड थ्योरी में भी हो सकता है, ये कैलकुलेशन में भी हो सकता है कि क्वांटिफाई करो इस सिचुएशन में हम कितना टैक्स बचा सकते हैं, कैलकुलेशन भी होगी।
स्प्रेडशीट बेस्ड, सो इनकम टैक्स स्प्रेडशीट, कॉर्पोरेशन टैक्स स्प्रेडशीट, टैक्स प्लानिंग स्प्रेडशीट, बट हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन स्प्रेडशीट हो, एक एक क्वेश्चन का पार्ट बी या पार्ट सी वर्ड पे हो सकता है, एक्सप्लेन दिस, तो पार्ट बी पार्ट सी हो सकता है। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर, हाँ सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर, दिस स्लाइड कवर्स योर ओवरऑल सिलेबस एज पर प्रोबेबली सेकेंड लास्ट डिस्कशन। सॉरी कोई कुछ कह रहा और मैं सोच रहा था अभी ये बात करते हुए, सवाल किसी ने पूछा नहीं। टेक्स्ट पेपर में थ्योरी और कैलकुलेशन का क्या प्रोपोर्शन है? सो टेक्स्ट के पेपर में कैलकुलेशन इज लाइक 60 to 70 marks एंड थ्योरी इज लाइक 30 to 40 marks। तो सर यहाँ पे थ्योरी किस टाइप की होती है? आपने तो माना है कि एनालिसिस यहाँ पे नहीं होते, तो यहाँ पे थ्योरी किस टाइप की होती है? यहाँ पे मेनली जो थ्योरी आती है दैट इज बेसिकली द कंडीशंस टाइप ऑफ थ्योरी। कंडीशन समझते हो? इस चीज को अप्लाई करने के लिए क्या क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिटिंग इन F7 पेपर, फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों ने दिया है दे कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इफ यू आर सिटिंग इन F7 पेपर, थ्योरी कंडीशंस वाली थ्योरी कुड बी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एसेट टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। आई एम जस्ट कोटिंग अ रेफरेंस, राइट? सो इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, किसी पर्टिकुलर चीज का क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, राइट? थर्ड थिंग एज पार्ट ऑफ थ्योरी वुड बी, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी थोड़ी देर पहले जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे थे मैंने एक चीज बहुत क्लियरली बोली थी, टैक्स कैलकुलेट करना एंड सबमिट करवाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। सो टैक्स कैलकुलेट तो कर लिया, कैलकुलेट तो हो गया, टैक्स सबमिट कब तक करवाना? अच्छा, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, हम तो यही बोलते हैं, नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे, मतलब सबमिट कब तक करवाना है एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन सबमिशन। सो इस टाइप की बातें, मैं ये नहीं कह रहा ये बात, आई एम यूजिंग द वर्ड, इस टाइप की बातें इज आई एम कैप्चरिंग इन थ्योरी। सही है, सॉरी, यस। सो इंटरप्रिटेशन में जैसे होता है ना हवाई फायरिंग, मतलब जिसको जो समझ आ रहा है वो लिखते रहे, यहाँ पे इस तरह की ओपन एंडेड, आई वुड नॉट से जीरो है, आई वुड से वेरी मिनिमम। प्लानिंग एक ऐसा एरिया है जो यू कैन प्लान आउट द सिचुएशन डिफरेंटली, ही कैन प्लान आउट द सिचुएशन डिफरेंटली, आई कैन प्लान आउट द सिचुएशन डिफरेंटली, सो दैट इज अ वेरी टाइनी टूनी सब्जेक्टिव एरिया, बट अदर देन दैट मोर ऑफ लाइक क्रिस्टल क्लियर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ इसका। कैन आई मूव अहेड? टाइप ऑफ टैक्स रेट पूरी दुनिया में, अच्छा ये एक जनरल बात हो रही है, दिस इज नॉट रिलेटिंग टू F6 UK टैक्स, पूरी दुनिया में तीन तरह के टैक्स रेट्स यूज होते हैं, वन इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव, सेकेंड वन इज रिग्रेसिव, थर्ड वन इज प्रोपोर्शनल। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स रेट, समझना, व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स रेट, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की आज इनकम है 1000, उसके ऊपर टैक्स लगता है 200, मतलब अगर मैं स्ट्रेट अवे देखूं कितना रेट ऑफ टैक्स लग रहा है, लेट सपोज कुछ ऐसा हुआ इसके साथ, इसकी इनकम डबल हो गई, 2000 हो गई, टैक्स भी डबल हो रहा है, यस नो? हाँ डबल से ज्यादा हो रहा है। सो इफ टैक्स, समझना स्टेटमेंट, इफ टैक्स इज इंक्रीजिंग मोर देन द इंक्रीज इन योर इनकम, रेशियो वाइज परसेंटेज वाइज, आई रिपीट, इफ टैक्स इज इंक्रीजिंग मोर देन द प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम,
सच टाइप ऑफ टैक्स रेट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। फिर से बोलूं, प्रोग्रेसिव। इफ टैक्स इज इंक्रीजिंग इन अ हायर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू इनकम। इफ यू सी, यहां मेरी इनकम बढ़ी है 2 टाइम, क्या टैक्स 2 टाइम्स बढ़ा है? मोर देन, सो 2.5, आई एग्री, बट 2.5 इज स्टिल मोर देन 2, सो दैट टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम, टैक्स रेट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। प्रोग्रेसिव का इनवर्स है रिग्रेसिव, इनवर्स है रिग्रेसिव। शायद किसी को यहाँ ये स्टेटमेंट के बाद रिग्रेसिव समझ आ गया, बट लेट मी एक्सप्लेन। इनकम टैक्स 20%, 200 चाहिए। इनकम बढ़ के हुई मल्टीप्लाई बाय 2, रिग्रेसिव, इनवर्स ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय 2 से लेस। सो प्रोग्रेसिव में टैक्स ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था एज कंपेयर टू इनकम, यहां पे टैक्स कम स्पीड से बढ़ेगा एज कंपेयर टू योर इनकम, राइट, प्रोपोर्शन वाइज। सो टैक्स इंक्रीजिंग इन अ लोअर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू इनकम, प्रोपोर्शनल। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रोपोर्शनल, बीच में इन दोनों के। इनकम मल्टीप्लाई बाय 2, बेस्ट एग्जाम्पल सेलफोन कार्ड रिचार्ज करना, सुपर कार्ड्स को एक मिनट साइड पे रखते, 100 रुपीज रिचार्ज करो, तब भी द परसेंटेज डिडक्शन रिमेन्स द सेम। 1000 का कार्ड रिचार्ज करो फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेज डिडक्शन रिमेन्स द सेम। सो प्रोपोर्शन वाले कहीं ये नहीं देखते ये ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो और लूट लो या कम लूटो, नहीं, एक ही स्पीड से लूटना है हमें, प्रोपोर्शनल टैक्स रेट। बाय द वे, इन द टीएक्स पेपर अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट लिमिटेड टू टीएक्स, मोस्टली प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स रेट्स फॉलो होते हैं, मोस्टली, मेक इट 95% प्लस प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल फॉलो होता है। रिग्रेसिव एग्जिस्ट बट रेयरली यूज। एंड लेट मी टेल, आपने से किसी ने एफसिक्स की बुक देखी है? ऑन अ सीरियस नोट, देखिए कितने पेजेस हैं, ऐसे ही ज्यादा है, बुक देखिए, रफली 1000 के करीब पेजेस हैं, रफली। लाइक आई सेड इन द स्टार्ट, थिकेस्ट लाइक लेंथीएस्ट सिलेबस एंड फंडामेंटल। ये जो रिग्रेसिव टैक्स रेट है ना, 1000 पेजेस की बुक, राइट, 1000 में से आप कह लो ये वाला रिग्रेसिव टैक्स रेट बेस्ड डिस्कशन इज ओनली फॉर 2 to 3 pages, और अगर मैं बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं तो 5 पेज कर लो, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओनली 5 पेजेस के ऊपर रिग्रेसिव रेट्स वाली बातें हुई हैं, मतलब जो चीजें रिग्रेसिव रेट फॉलो करती हैं उन पर बात हुई है, बाकी 995 पेजेस के ऊपर आइदर प्रोपोर्शनल है या प्रोग्रेसिव है। टाइप ऑफ टैक्स रेट, एनी क्वेश्चन इन पर्टिकुलर? नो, सही, आगे कुछ और स्टार्ट करेंगे तो कहानी लंबी होगा। मैं बस एक आज के एक आखिरी पेज के ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ, जस्ट सेटिंग द बेस, दैट वुड बी द लास्ट फॉर टुडे, सेटिंग द बेस, फिर उसके बाद एक एक मैसेज है। द फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, दैट वुड बी द इनकम टैक्स। जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे इन द F6, TX वुड बी द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में और कॉर्पोरेशन टैक्स में मैंने एक बेसिक डिफरेंस बताया था, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट। सो इनकम टैक्स, जैसे ही मैं नाम सुन रहा हूँ इनकम टैक्स मेरे माइंड में आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स के भी रेवेन्यू टैक्स की बात कर रहा हूँ। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनकम टैक्स, द फर्स्ट सेक्शन यू कैन से हमारे पढ़ने के हिसाब से। इनकम टैक्स किसी भी बंदे का कैलकुलेट किया जाता है फिस्कल ईयर के हिसाब से, एंड फिस्कल ईयर का मतलब है 6 अप्रैल 2022 से लेके 5 अप्रैल 2023।
विच इज लाइक फिस्कल ईयर 2022-23। इनकम टैक्स कैलकुलेट किया कैसे जाता है? इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंसान के पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इनकम को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर से बोलूं, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए किया क्या जाता है, पहला स्टेप, किसी भी इंसान की पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इनकम आइडेंटिफाई करो। इंसान कमा कहाँ कहाँ से सकता है, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या हो सकती है, कोई भी इंसान कहाँ कहाँ से कमा सकता है। आप बिजनेस करके कमा सकता है, बिल्कुल जॉब करके कमा सकता है, लाइक सैलरी हो गई, एम्प्लॉयमेंट, और प्रॉपर्टी, घर वगैरह टाइप की चीजें रेंट आउट करके कमा सकता है, रेंटल इनकम हो गई, और हाँ स्नैचिंग करके कमा सकता है, वो भी उसका बिजनेस ही होगा। इन्वेस्टमेंट कहीं कीजिए, वहां से कमा सकता है। गुड पॉइंट। ना, इन्वेस्टमेंट को मैं कैटेगराइज करता हूं इनटू टू कैटेगरी। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट में है, डेट इंस्ट्रूमेंट समझते हो ना, लाइक लोन नोट्स, डिबेंचर, या बैंक वगैरह टाइप की जगह पे पैसे रखे हुए हैं, ऐसी किसी जगह में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहां से जो रिटर्न आएगा दैट वुड बी इंटरेस्ट। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट शेयर्स में की हुई है, वहां से जो रिटर्न आएगा दैट वुड बी राइट, इंटरेस्ट और डिविडेंड का डिफरेंस क्लियर है। लास्ट, जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं तमीज की लैंग्वेज में, उन लोगों को पेंशन इनकम मिलती है। सो पेंशन इनकम इज स्पेसिफिक टू द बुजुर्ग हजरा, राइट। तो नौजवानों के लिए, मेरे आपके जैसे लोगों के लिए, मेरे ऊपर हंस रहे थे, अपने ऊपर हंस रहे थे, तो मेरे मेरे जैसे, चलो सही है, मैं ही बोलूँ, मेरे जैसे लोगों के लिए पेंशन इनकम नहीं होती, कुछ सालों में हो जाए एक अलग बात है। हमेशा जवान रहेंगे फिर, ऐसा आर्मी का आजकल दौड़ नहीं है, हर कोई तारीफ कर रहा है। खैर, सबके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, पूरी कॉम के, जिसके नहीं हुए बता देना, मैं मैसेज कन्वे करवा दूंगा, ये रह गए। जैसे अभी ब्रेक में एक मिला था स्टिल मुझे। अच्छा, इन तमाम इनकम्स को जब सम किया जाता है, इन तमाम इनकम्स को जब सम किया जाता है, तो जो सम अमाउंट आती है दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हर बंदे की ये छह सोर्सेज ऑफ इनकम, सो अगेन टू मेमोराइज, किसी भी इंसान की छह सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती है। छह कौन कौन सी? प्रॉपर्टी, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक इंसान की ये छह की छह सब होंगी, हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो सकता है किसी की सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, कोई और इनकम ना हो सकता है किसी की ट्रेडिंग हो, कोई और ना हो सकता है किसी की सिर्फ पेंशन इनकम हो और कोई इनकम ना हो। सो इट इज पॉसिबल कि किसी एक इंसान की एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम हो या एक हो, राइट। बट सिंस दिस इज अ, यू कैन से, आई होप यू गाइस डू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रोफॉर्मा। सो सिंस दिस इज द प्रोफॉर्मा, तो इसलिए यहाँ पे सारी इनकम्स हमेशा रहेंगी, जिसकी जो इनकम होगी वो अमाउंट रिकॉर्ड करेगा, बाकी ब्लैंक्स वुड रिमेन जीरो। इन तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को सम अप करने के बाद जो मेरे पास अमाउंट आती है दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। इस टोटल इनकम में टैक्स वाले हर बंदे को एक अलाउंस टाइप की चीज देते हैं, एक रिलीफ टाइप की चीज देते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अलाउंस। मैं जरा पर्सनल अलाउंस को एलेबरेट करता हूँ 2 मिनट में। पर्सनल अलाउंस के बाद जो किसी भी बंदे की इनकम बचती है दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। ये वो टैक्सेबल इनकम है जिस पे टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं, और टैक्स रेट्स अप्लाई करने के बाद बंदे की
इनकम टैक्स लाइबिलिटी आती है। आई रिपीट, ये वो इनकम है जिस पे टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं, और टैक्स रेट्स अप्लाई होने के बाद किसी भी बंदे की इनकम टैक्स लाइबिलिटी आती है। नाउ अ मोर डिस्कशन ऑन पर्सनल अलाउंस। व्हाट इज टोटल इनकम का मतलब समझ आता है? पर्सनल अलाउंस समझ लेंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। व्हाट इज पर्सनल अलाउंस? पर्सनल अलाउंस इज, यू कैन से, द मिनिमम टैक्स फ्री इनकम टाइप ऑफ थिंग। आई रिपीट, पर्सनल अलाउंस क्या चीज है? मिनिमम टैक्स फ्री इनकम। टैक्स फ्री इनकम मतलब इतनी इनकम तक कमाओ तो मैं टैक्स नहीं देना। जो लोग इस इनकम से ज्यादा कमा रहे होंगे उन लोगों को एक्सेस अमाउंट के ऊपर, क्या मतलब सर, इस अमाउंट तक टैक्स नहीं देना, इससे ज्यादा कमाओगे तो एक्सेस अमाउंट पे टैक्स देना है। इमेजिन एक बंदा है, उसकी टोटल इनकम है 20,000। कितनी है? 20,000। मैंने बोला 12,570 का पर्सनल अलाउंस इज लाइक टैक्स फ्री इनकम, इस अमाउंट पे टैक्स नहीं देना। तो जितनी अमाउंट पे टैक्स नहीं देना उसको हटा दो, कितनी अमाउंट बची देन? 7,430। सो एक्सेस अमाउंट अर्न किए, जितनी एक्सेस अमाउंट अर्न किए उस पे टैक्स पे करना है। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये जो टैक्सेबल इनकम आई, व्हिच इज इन माय एग्जांपल 7,430, 7,430 पे टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे टू अराइव एट, राइट? अच्छा, अगर किसी बंदे की टोटल इनकम लेट सपोज 20,000 के बजाय मेक इट 80,000 हो, फॉर एग्जांपल, पर्सनल अलाउंस टैक्सेबल वुड बी, टैक्सेबल वुड बी 6,700। तो उसने पर्सनल अलाउंस से कितना ज्यादा अर्न किया? 6,7,430। इसको टैक्स कितनी, मैं ये नहीं कह रहा ये टैक्स अमाउंट है, प्लीज आई एम यूजिंग द वर्ड, इस अमाउंट पे टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे टू अराइव एट इनकम टैक्स लाइबिलिटी। तो इस अमाउंट पे टैक्स देना, ये अमाउंट टैक्स नहीं है, इस अमाउंट पे टैक्स देना। अच्छा इमेजिन करो एक लास्ट इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, एक बंदा है उसकी टोटल इनकम 80,000 के बजाय फॉर एग्जांपल 8,000 है। अच्छा आई एग्री टैक्स नहीं देगा बिकॉज 12,570 इज लाइक मिनिमम टैक्स फ्री इनकम, राइट? फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव, मेरी बात जरा ये आखिरी आज की समझ लेना, सुन लेना, यहां पे मैं पर्सनल अलाउंस 12,570 लिखूंगा। फ्रॉम अ मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव, अगर मैंने 12,570 लिखा अगर, तो मेरे पास आंसर आएगा -4,570। पॉजिटिव का मतलब था इस अमाउंट पे टैक्स देना है, नेगेटिव का मतलब क्या है? लेना है। इज दैट रिलीज हो? नहीं, टैक्स वाले मतलब एक तो तुम्हें मदद करने के लिए उंगली पकड़ा रहे, तुम हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर दो वाली बात है। सो इन सच सिचुएशंस मुझे करना क्या होगा? मेरी टोटल इनकम अगर 8,000 है, आई एम कंटिन्यूइंग दिस एग्जांपल ओवर हियर, पर्सनल अलाउंस ऐसी सिचुएशन में मुझे सिर्फ कितना मिलेगा? 8,000। और उसके साथ मैं पेपर में प्रैक्टिकली एक वर्ड लिखता हूँ, रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड इसलिए लिखता हूँ ताकि देखने वाले को, पढ़ने वाले को ये पता चल जाए कि पर्सनल अलाउंस 8,000 होता नहीं है, इसने ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम कॉन्सेप्ट 8,000 लिया, होता नहीं है इतना, किसी रीजन से 8,000 लिखता है। एंड टैक्सेबल वुड बिकम, निल वाली बात समझ आई? एनी वन हु इज नॉट क्लियर? एनी वन? नेगेटिव वाली कहानी समझ आती है कि ये नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव का मतलब अगर देना है तो नेगेटिव का मतलब सिचुएशंस में प्रेजेंटेशन वाइज मुझे क्या करना होगा? इनकम 8,000 है, पर्सनल अलाउंस भी मैं कितना लिखूंगा? 8,000। सो दैट टैक्सेबल वुड बिकम 0 और nil। और 8,000 के साथ मैं एक वर्ड लिख दूंगा, किसी ने अभी जब मैं पर्सनल अलाउंस की बात कर रहा था तो मेरे कान में एक आवाज आई, सर क्या ये पर्सनल अलाउंस फिक्स्ड है?
द आंसर इज यस, दिस पर्सनल अलाउंस इज फिक्स्ड कॉन्स्टेंट एंड गिवन एन एग्जाम। अच्छा बाय द वे, आप लोगों ने जब MA2 और F2 टाइप के पेपर दिए होंगे तो आपको कुछ चीजें पेपर में गिवेन होती थी, राइट? कुछ फॉर्मूलाज, एनविटी टेबल, प्रेजेंट वैल्यू और एनविटी टेबल्स गिवेन होते थे। इसी तरह F6 में भी आपको टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस गिवेन होते हैं। हम लोग मैं और सर जया, हम लोग साथ साथ ये आइडेंटिफाई करते रहेंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें पेपर में गिवेन होंगी, कौन कौन सी चीजें पेपर में नहीं गिवेन होंगी। सो जो चीजें पेपर में गिवेन है प्रोबेबली मुझे उन पे अपना दिमाग स्पेंड नहीं करना टू मेमोराइज देम, बट अगर कोई ऐसी चीज है जो पेपर में गिवेन नहीं होगी ऑब्वियसली उसके लिए मुझे एफर्ट करनी है टू मेमोराइज इट। यहां तक डन। पर्सनल अलाउंस फिक्स कॉन्स्टेंट गिवेन इन एग्जाम, 12,570 की अमाउंट कॉन्स्टेंट रहेगी। सिर्फ एक सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस की जब ये अमाउंट चेंज हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन, राइट? सो ये अमाउंट फिक्स कॉन्स्टेंट है, पेपर में गिवेन होगी। देर आर ओनली टू सिचुएशन जिसमें ये चेंज होगी, देर आर ओनली टू सिचुएशन जिसमें ये, दो में से एक तो सिचुएशन मैंने अभी अभी देख ली, जब इनकम 12,570 से कम होगी तो ये चेंज होगी अमाउंट, अदरवाइज हमेशा कितनी रहेगी। एक सिचुएशन और देखनी है, बाद में देखेंगे, अभी नहीं देख, परेशान नहीं। आप दैट्स इट फॉर टुडे। आज सिंस पहली क्लास की तो आज जल्दी छुट्टी, आप लोगों का हक बनता है। आई एम सपोर्टिव ऑफ योर हक। बाय द वे जस्ट वन क्लोजिंग रिमार्क फॉर टुडे, कल आप लोगों की क्लास नहीं है। आप लोग, हाँ कोई बात नहीं, बस देखो वैसे एक सेकंड, वैसे तो मैंने फाइल सेव कर दी है, मैं इसको क्लोज भी कर रहा हूँ, बट जहाँ इतनी देर बैठे हो 2 मिनट और बैठ जाओ ताकि जो कोई अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो मैं उसका सवाल का आंसर सब लोगों को दे दूँ। सो अ वैलिड क्वेश्चन, मैं आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज कि सर 2 दिन आप पढ़ाएंगे, 2 दिन सर दिया पढ़ाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेट मी टेल यू दिस थिंग कि वी हैव डिवाइडेड द एरियाज ऑफ द सिलेबस। सो देर वुड बी ऐसा नहीं है कि एक दिन मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट डे सर जो उसको कंटिन्यू कर रहे हो। सो ही हैज हिज ओन एरियाज, आई हैव माय ओन एरियाज कि हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना एज अ ट्यूटर। सेकेंडली क्या था सेकेंड कंसर्न? दो टॉपिक्स एक साथ चल रहे हैं, दोनों F6 के। टेंशन क्या है इसमें, कोई टेंशन है तो बताओ, वो छोड़ दो, वो तुम ये टेंशन नहीं लो। इसमें कोई टेंशन है तो मुझे बताओ। हाँ मतलब इसमें टेंशन क्या है, मुझे टेंशन नहीं समझ आ रही। टेंशन ये है कि सर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, नहीं होगा मिक्सअप। ये अच्छा था, पेपर एक ही आएगा या दो अलग अलग? वैसे तो पेपर भी आजकल अलग अलग आ रहे हैं, तुम्हारा अलग होगा, तुम्हारे पड़ोसी का अलग होगा, डिफरेंट होगा, वो कुछ अलग अलग कंसिडरेशन दे दी होगी। ये पता नहीं फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये एक अलग बात है। खैर आप यहाँ तक डन, चलें। थैंक यू। इंशाल्लाह मुझसे मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को होगी, और सरजिया से आप लोगों की मुलाकात लाइक फर्स्ट क्लास जिसमें आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सरजिया के साथ स्टार्ट होगी, दैट वुड बी ऑन ट्यूसडे एट 3 PM। डन, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुझसे सैटरडे को मिलता, सही है? अल्लाह हाफिज़।
हुसैन, प्राइस बॉन्ड इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट प्राइस बॉन्ड के ऊपर एक डिस्कशन अलग है जो इंटरेस्ट वाले टाइम पे हो रही होगी। अवॉइडेंस करते हैं तो हमें इफ इट इज एज पर लॉ देन